all the electrifying VSL 9 action live on eSports. Don't miss out. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? हमें बहुत सारी चीज़ें बचपन से ही सिखाई जाती हैं, बड़ों का अदब करना, एहतराम करना, हमारी फैमिली वैल्यूज़, किस तरह खाना है, किस तरह चलना है। हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करने में हमारे पेरेंट्स का बहुत हाथ होता है और हम उनको देखते हैं कि वो हमारे लिए हर वक्त बेहतरीन सोचते हैं और हमारे लिए बेहतरीन का इंतखाब करते हैं। उनको देखा देखी हमारे अंदर भी ये आदत डेवलप हो जाती है कि हमने अपने लिए बेहतरीन चूज़ करना है। हमारा स्कूल बेहतरीन सेलेक्ट किया जाता है, हमारी अपने चादर में पैर फैलाते हुए हमारा बैग, हमारी कॉपियाँ, कागज़, ट्यूशन सेंटर, हमारे लिए गाड़ी, हमारे कंफर्ट का पूरा कहते ना एहतमाम, वो सारे हमारे पेरेंट्स को देखते हुए हम खुद आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बनते चले जाते हैं कि हमें अपने लिए बेहतर से बेहतर चाहिए। फिर जब हम अपने लिए किसी स्पाउस का इंतखाब करते हैं, यानी अगर लव मैरिज की बात करूं, तो उस वक्त हमारे पेरेंट्स हमें, अगर उनको लगता है कि वो स्पाउस हमारे लिए नहीं बना, वो साथी हमारे मयार का नहीं है, तो वो स्टैंड लेते हैं अपने बच्चों से, जिनसे वो बहुत मोहब्बत करते हैं, उनसे लड़ते हैं, उनसे झगड़ते हैं कि तुम्हारे आँखों पर पट्टी बंधी है, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन नहीं है। और इसी तरह ये आदत हमारे अंदर आ जाती है कि हमें भी अपने लिए बेहतरीन चाहिए। मगर कहते हैं ना कि हमारे माँ बाप ने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए होते, उनके तजुर्बात उनको बताते हैं कि हमारे लिए बेहतरीन क्या है, क्योंकि अगर उन्होंने ज़िंदगी में कोई ठोकर खाई होती तो वो नहीं चाहते कि उनकी औलाद भी ठोकरें खाए। और इसी तरह हम भी अपनी गलतियों से सीख कर ये जान पाते हैं कि हमारे लिए बेहतरीन क्या है। इंसान माँ के पेट से सीख के नहीं आता, बल्कि अपनी गलतियों से सीखता है और आहिस्ता आहिस्ता जानता है कि दिस इज़ बेस्ट फॉर मी। मगर उस दिस इज़ बेस्ट तक पहुँचने के लिए उसको जो मंजिलें तय करनी होती हैं, कभी वो वहाँ से ठोकर खा के गिरता भी है, कभी वो गलत चीज़ चूज़ कर लेता है जिसकी वजह से उसके अंदर टूट फूट हो जाती है। सो अगर हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात करते हैं, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके पहनने ओढ़ने के लिए, आपकी अच्छी कंपनी के लिए, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के लिए मैटर करती हैं। जब आप एक प्रॉपर इंसान बन रहे होते हैं तो आप उन सब चीज़ों का मजमुआ होते हैं और अब अपनी गलतियों से सीखते हैं। लेकिन हमारे सेलेब्रिटीज़ जो कि अब यहाँ पहुँच चुके हैं, कि वो ये जान सकते हैं कि उनके लिए बेहतरीन इंतखाब क्या है। इंसान अगर ये समझ जाए कि जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने नेमत के तौर पर उसको दी है, उसे इसकी कदर करनी है, तो वो बहुत जल्दी अपने लिए बेहतरीन का इंतखाब कर पाता है। उसका शऊर, उसकी मैच्योरिटी उसे बताती है कि दिस इज़ बेस्ट फॉर यू। आइए कुछ उनसे सीखते हैं और कुछ आप हमें भी सिखाते हैं। हमें SMS करें और बताएं आपको क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन चीज़ क्या है ऐसी जो आपकी ज़िंदगी को अपग्रेड करके आपको ये बताती है कि दिस इज़ बेस्ट फॉर मी, यही है मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन इंतखाब। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। दूसरों की सुनने से कुछ अपने आप को करेक्ट करें और देखिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वक्त के साथ साथ पता चलता है कि आपका बेहतरीन इंतखाब, आपकी ज़िंदगी में आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेस्ट ऑफ बेस्ट हैं। सो मेरे सेलेब्रिटीज़ जो हैं माशाल्लाह, अब वो वहाँ पहुँच चुके हैं जो उनको पता है कि उनके लिए क्या बेहतर है। जाहिर है वो भी, उन्होंने भी ठोकरें खाई हैं ज़िंदगी में, बहुत कुछ सीखा है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उसके बाद वो जिस नतीजे पे पहुँचे तो वो अब उस चीज़ में स्टबर्न हो गए कि नहीं भाई, चाहे कुछ भी कर लो, जो मेरे लिए बेस्ट है वही मेरे लिए बेस्ट है, यही मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन इंतखाब है।
मेरे साथ है नादिया खान. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम सलाम. आई लव योर लिपस्टिक. है ना? ब्राइट लिपस्टिक. आज मैंने कहा कि कुछ फर्क हो जाए, चेंज हो जाए. तो आज ड्रेसिंग में जो नॉर्मली करती हूँ हमारे शो पे और लिपस्टिक उसमें चेंज है. ग्रीन शेड मुझे नजर आ रहा है आंखों के ऊपर हल्का हल्का. मुझे पता है डार्क लिपस्टिक लगाते हुए ना डर लगता है. देखो बचपन में डांट बहुत पड़ती थी अब्बा तो अभी तक जैसे ही मैं लगाने लगती हूँ मुझे लगता है अब्बा आवाज कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग. अभी तुम बुला रहे के बहुत डार्क है, ऐसे नहीं लगाना. बच्चियां ऐसे कलर्स नहीं लगाती. तो अभी भी वो खौफ है. हाथ कांपते हैं डार्क लिपस्टिक लगाते हैं. हमारे साथ है अंबर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम. अंबर को किसी चीज से डर नहीं लगता. अंबर मैं तो एक्सपेरिमेंट करती हूं. डराने वालों में से है. नहीं बाबा नहीं, तुम पहले करो फिर मैं देखूंगी. और हमारे साथ है शर्मीन. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं? बिल्कुल ठीक. ठीक ठाक है. सो आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही प्यारा टॉपिक है. कोई वो आप किसी भी चीज से जिंदगी की अपनी रिलेट कर सकते हैं. हम भी बहुत गिरे हैं, हम भी बहुत उठे हैं, हमने ये चीज यूज की, वो चीज यूज की, फिर बाद में हमें जाके पता चला ये बेस्ट, फिर उसके बाद फिर भी कोई बेस्ट आ जाती है. कुछ अरसे बाद फिर कोई और बेस्ट चीज आ जाती है. सही कह रही हो. कि हमें लगता है ओ यार वो हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे, ये तो और भी बेस्ट हो गई. सो अगर मैं उस चीज से शुरू करूं, बेहतरीन इंतखाब, आपकी टीचर भी हो सकती हैं, आपका कोई स्किन प्रोडक्ट भी हो सकता है, आपके बालों का कोई प्रोडक्ट हो सकता है, आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है. ट्रू. सो अगर वहां से शुरू करते हैं, पहला चला रहे हैं किसका आप लोग? नादिया का घर. घर हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं. मैं तो अब अपडेट अपग्रेड करती रहती हूँ. मुझे पुरानी चीज़ें जहर लगती हैं. मेरी अम्मी क्या होती थी, पुराने डब्बे कोई भी चीज़ हो ना हमेशा संभाल के रखती थी. मुझे इतना बुरा लगता था, मैं आके वो फेंक देती थी. और वो उन्होंने मेड को कहा था कि जो ये चीज़ें फेंकी वो वापस ले आना ना. पहले ले जाना बोरी में, फिर ले आना अगले दिन वापस. तो मुझे पुरानी चीजों से सख्त चिढ़ है. कि आप स्टोर ना करें, आप रखे ना. नहीं, पुराने जमाने के लोग होते थे, वो बचा के रखा, जमा करते थे डब्बे, टिन, बच्चों के दूध के डब्बे जमा कर रहे हैं, तेल के डब्बे जमा कर रहे हैं, काम आ जाएगी, केचप की बोतलें, जैम की बोतलें. मेरी दादी तो क्या करती थी, जो किसी ने तोहफा दिया ना, जैसे मेरे अब्बू को पैंट दी है, उन्होंने कहा चलो संभाल के रखो, उसके बाद वो शॉर्ट बन जाती थी तो उनको याद आता था ओहो वो तो संभाल के रखी है, निकालो. हाँ, वो और पेटियों में डालने का रिवाज, किसी पेटी में डाल दो बच्चियों के काम आएगा, चार बेटियां भी है. तो वो पेटियां जो थी ना हमारी, बस वो पेटियों में ही रहा सामान, मैंने कभी नहीं देखा. तो मुझे बहुत चिढ़ होती थी और मैं मम्मी से बहुत खफा होती थी कि आप जमा ना करें, चीजें दे दिया करें, फेंक दिया करें, किसी को दे दें, रखें ना. तो मैं, मेरे अंदर वो एक है कीड़ा कि मैं बहुत अपग्रेड, मैं कोई कपड़ा क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या, कोई चीज़ घर में ज़्यादा अर्सा रखती नहीं. मुझे होता है कि नहीं इसको चेंज करें. अच्छा, जो घर वाली बात थी कि वो ये था कि हम लोग 90s में यहाँ काम कर रहे थे ना, मैं एयरपोर्ट जाती थी, मैं कहती थी अल्लाह मैं कभी एयरपोर्ट के पास नहीं रहूँगी. उफ तौबा, मैं तो एयरपोर्ट जाना एक अजाब होता था. अरे कौन लोग हैं जो एयरपोर्ट के पास रहते हैं बेचारे, उनको आना होता होगा डीएचए में या चंद्रीगढ़ रोड पे. तो कितना घंटा स्टक रहते होंगे. मैं लिटरली ये दुआ करती थी कि मैं कभी एयरपोर्ट के पास ना रहूं, और मैं वहीं रही हूं, वहीं रह रही हूं. नेवर से नेवर. और मैं उसके बाद ये नहीं कि नहीं डीएचए में रही मैं 3 साल. और उधर जो मुझे स्ट्रेस था जब मैं यहाँ फैसल से शादी के बाद यहाँ आई, जो हमारा एयरफोर्स का एरिया है, मेरी इतनी जिंदगी में सुकून कि मैंने कहा मैं पागल थी, मैं वहां रह रही थी. जस्ट वो एक डिस्टेंस है विच आई डोंट माइंड. उसका भी सलूशन मैं आगे बताऊंगी मैंने क्या किया. एक सिर्फ उसका फ्लॉ कि जी आप थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, अदर देन दैट मुझे गार्ड्स नहीं चाहिए. डीएचए में मुझे गार्ड चाहिए होते थे, जो सो रहे होते थे. रात को कंप्लेन करते थे आपका गार्ड सो रहा है, तो बाजी रात तो सोने के लिए होती है ना. मैंने कहा है तो व्हाई एम आई पेइंग हिम. फिर क्राइम बहुत होता था घर में जी. रात को 3 बजे पुलिस आ गई कि जी साथ वाले घर में डाकू हैं, तो हमने आपके घर की तलाशी लेनी. उस वक्त मैं अकेली रहती थी बच्चों के साथ. मुझे नौकरों से खौफ आए, मुझे ड्राइवर से खौफ है, मुझे उसमें सिर्फ खौफ में रहती थी. और इधर कोई खुदकुशी हुई भी, लेफ्ट उधर साइड पे मर्डर हुआ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मेन शमशीर डॉलमिन के सामने. इतना क्लासी घर, 3 लाख आपका रेंट, और एक लम्हे का सुकून नहीं था. प्लस मैं बच्चों को कहाँ भेजूँ. फिर जब कोविड आया और अजाब उस घर में, क्योंकि कोई पार्क नहीं, कुछ नहीं, मैं आई जस्ट फेल्ट सो आइसोलेटेड. बच्चे शाम को कहाँ लेके जाएं. अभी क्या है, माशाल्लाह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, पार्क्स है, गार्ड सब अपने घूम रहे हैं. एक आपके एक शेड था कि आए मैं एयरपोर्ट के पास नहीं रहूंगी, लेकिन ये वक्त के साथ साथ आपको ये समझ आया कि दिस इज बेस्ट फॉर यू. मैंने कितनी फ्रेंड्स से मशवरा किया था, मैं कलंबर से भी शायद हर एक से पूछा, यार वैसे का घर उधर है, यार मैं कैसे जाऊंगी, मैं तो सब यहाँ रहते हैं. लेकिन एड्रेस मत बताना, नादिया पहुंच जाएगी.
देखती हूँ जितनी भी कम्युनिटी लिविंग होती है ना जहाँ वो बेहतर होती है, बजाय कि आप पॉश एरिया में आप इंडिपेंडेंट घर में रहे, नहीं कम्युनिटी निदा भी कम्युनिटी में बहुत सेवल एयरफोर्स की बात है। अच्छा दूसरा फैमिलीज भी बड़ी पता होती है आपको कौन रह रहा है कौन से लोग हैं, हमारी तरह सिंपल मिडिल क्लास लोग ऐसे नहीं घर में वो बेचते देख कर बेचते हैं, जो उधर वाले होते हैं ना वो बहुत शेडी लोग थे। मां मैं बता रही हूँ, कहीं खुदकुशी हुई तो कहीं मर्डर हुआ तो कहीं कुछ हुआ, मैं इतना डरती थी अपने नेबर से। आपको सुकून होगी जिंदगी, अल्लाह का शुक्र, मतलब क्राइम नहीं, पानी टैंकर नहीं आता यार, मैं टैंकर नहीं ऑर्डर करती कभी, 3 साल हो गए टैंकर नहीं मंगवाया बहन। देखो नेवर से नो, आपको खुद नहीं पता, आहिस्ता आहिस्ता वक्त बताता है व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। एग्जैक्टली, आप कहते, मैं कहती हूँ डर के आगे वाकई जीत है, खौफ के आगे जो है ना आपको जिस चीज से खौफ, आप मुझे जिन चीजों से लाइफ में डर था ना वो हुआ, लेकिन वो मेरी बेहतरी ही थी बाद में, आगे पता आया सामने आया जिस चीज से डर। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि ये इस चीज को आपने माना है कि ये मेरी बेहतरी थी, अल्लाह का शुक्र। वरना बहुत सारे लोग शिकवा होता है उनको जिंदगी से, शिकायत होती है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ, वो ये नहीं कहते अल्लाह ताला तूने मुझे बेहतर तक पहुंचा दिया, जो भी हुआ ये मेरी मंजिल थी, ये मेरा रास्ता था। किसी के रास्ते कांटों वाले होते हैं, किसी के भूलों वाले होते हैं, मगर मंजिल जो है उसने तय की होती है, और कांटों के बाद आपको उसका फल मिलता ही मिलता है। ऐसा कभी भी नहीं, कितनी फिलोसॉफिकल बातें, डाइजेस्ट आपको सुकून है। शाम को बच्चे जा रहे हैं, आपको पता है बच्चे सेफ है, इस पार्क में होगा वरना उस पार्क में होगा, डिसीजन अच्छी ली, कभी सोच डिसीजन सही नहीं। मैंने अब्बा से पूछा, मुझे तो फ्रेंड्स भी सब यही कह रही थी, पर अब्बा ने कहा नहीं बेटा जहाँ फैसला घर है आपने वहीं जाना, बस खत्म है, आके बंद करके बहुत डरते हैं, मेरा फियर था ना शुरू से यहाँ नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ी ट्रैफिक में नहीं फंसूंगा, मैं रोज उसी रास्ते से जाती हूँ जब भी होता है, आई एम फाइन। लेकिन आप एक्साइटेड, उसका भी एक सलूशन निकाल रहे हैं, सलूशन वो अगला है, वो अगला है, वो अगले राउंड में आएगा। अब बताएं नेक्स्ट। हां शर्मीन, मैं एक्चुअली घर के बारे में तो कुछ नहीं, घर के नहीं कुछ भी बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में विद टाइम ये सीखा है कि मेंटल हेल्थ comes first and foremost. Okay. तो जैसे आप कह रही है ना कि material चीज़ों में भी आप अपनी ज़िंदगी में decide कर रहे होते हैं, आप trial and error से आप सीख रहे होते हैं कि आपके लिए क्या बेहतरीन है। मैंने ये देखा है और मैंने ये bit time experience किया, it may sound a bit selfish, लेकिन मैंने अपने आप को prioritize करना सीखा है, मैंने अपने आप को importance देना सीखी है over everything else, क्योंकि मुझे ये कुछ अपने ज़िंदगी के कुछ जो शुरू के साल थे उसमें मुझे ये लगा, और शुरू के साल मैं कहूँगी आफ्टर माय टीन्स, जब बेसिकली आपकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है, आई रियलाइज्ड वेरी सून कि जब आप हर चीज़ अपने जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनके मुताबिक और उनके लिए जब सब काम कर रहे होते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आप मिजरेबल होना शुरू हो जाते हैं, आप कुछ हद तक भूल जाते हैं कि आप भी एग्जिस्ट करते हैं, आप भी एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग हैं, और आपने अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करना है। तो फिर ऐसा एक वक्त आया कि आई पुट माई फुट डाउन एंड आई सेड नहीं, अब मैंने अपने आप को टाइम देना है, अपने आप को इंपॉर्टेंस देनी है, अपनी खुशी को इंपॉर्टेंस देनी है। बहुत देख लिया दूसरों को आस पास के, उनको क्या चाहिए, उनको क्या अच्छा लगता है, वो क्या प्रूव करते हैं, और मुझे लगता है कि जब से मैंने अपने डिसीजंस इस पर बेस लेना शुरू किया ना कि इसमें मुझे सुकून आएगा, इसमें मेरा दिल खुश है, चाहे वो बाद में वर्कआउट करे या ना करे, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन है कि जो मेरे दिमाग में व्हाट इफ्स ना रहे। तो मैंने ये विद टाइम सीखा है कि आई नीड टू डू व्हाट आई फील वुड बी बेस्ट फॉर मी। वही वाली बात है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से नहीं सीखते हैं, आप हमेशा अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। बहुत आपके बड़े कहते हैं कि ये करो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ऐसा मत करना ये गलत होगा, लेकिन दूसरों के कहने से आपको समझ नहीं आती जब तक कि आप खुद ना वो एक्सपीरियंस करें, जब आप खुद ना वो और बहुत सारी चीजें अंबर के लिए अच्छी होंगी, शर्मीन के लिए नहीं। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें शर्मीन के लिए अच्छी होंगी, अंबर के लिए नहीं। एब्सोल्युटली, ये कोई फॉर्मूला नहीं है जिंदगी का कि ये चीज है तो वाओ, ये इसके लिए भी वाओ। बिल्कुल, हर किसी की जिंदगी और पर्सनालिटी अलग है। जो डिसीजंस मैंने अपने लिए लिए, हम 5 बहनें, मैं नहीं कह सकती कि वही डिसीजन अगर मेरी दूसरी बहन लेती तो उसके लिए वर्कआउट करता या नहीं करता, लेकिन मैंने अपने लिए अपने विद टाइम ये सीखा कि मुझे अपने खुशी को और अपने मेंटल हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है, बिकॉज दैट वर्क्स फॉर मी। अगर मेरी मेंटल हेल्थ सही है ना तो मुझे सब कुछ अच्छा लगेगा, और अगर मैं मेंटली खुश नहीं हूँ ना तो आप मुझे दुनिया की हर खुशी लाके दे दें वो मुझे अच्छा नहीं है। देखो सबने मेंटल हेल्थ पे पहले सोचा, लोग नहीं सोचते, लोग कहते हैं जामे कर रही है, 10 चीजें करोगी, क्या है मेंटल हेल्थ कुछ है नहीं, असल वही है, शी इज राइट। अगर मैं मेंटली मैं स्टेबल हूँगी
जाएगी ना, अगर मैं मेंटली खुश होंगी तो मैं अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकती हूँ। अगर मैं खुद अंदर से मिजरेबल होंगी तो मैं दूसरों के लिए क्या कर सकती हूँ। चिड़चिड़ी हो गई है, चिड़चिड़ी इसलिए हो गई होती है क्योंकि उसने अपने बारे में नहीं सोचा होता, बिल्कुल, और यही चीज उसे खाए जा रही है। बिल्कुल, तो मुझे ये लगता है कि जब से मैंने ये फॉर्मूला अपनी जिंदगी में अपनाया है, मैं आई हैव बिकम अ बेटर मदर, आई हैव बिकम अ बेटर फैमिली मेंबर, आई हैव बिकम अ बेटर फ्रेंड एंड आई हैव बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग ओवरऑल। यस, कि मैं जो हर वक्त गुस्से में रहती थी और एजिटेटेड रहती थी और इरिटेटेड रहती थी और मुझे दिल नहीं चाहता था किसी से बात करने का, किसी से मिलने का, मैंने अपने अंदर एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, अपनी पर्सनैलिटी में बहुत मेजर शिफ्ट देखा है। और ये आपको कितना टाइम लगा समझने में अपने आप को? बहुत टाइम लगा, बहुत। मुझे आई वुड से कि मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी बेसिकली बैक इन 2015, अब 2024 है तो 9 साल होने का है, लेकिन आई वुड से इट टुक मी 9 इयर्स, लेकिन इट टुक मी गुड 5 to 6 इयर्स टू गेट टू अ पॉइंट वेयर आई स्टार्टेड फीलिंग कि हाँ, अब मुझ में एक इतना सेंस है कि मैं अपनी ज़िंदगी एक सही ट्रैक पे अपनी मर्जी से अपने अच्छे डिसीजंस लेके गुजार सकती हूँ, अपनी बेटरमेंट का सोच सकती हूँ। तो यही वाली बात कि मेकअप कौन सा बेटर है, हेल्थ डाइट वाइज कौन सा आपके लिए बेटर है, मेंटल हेल्थ के लिए आपके लिए क्या चीज़ बेटर है और क्या नहीं, आपको ये भी फिगर आउट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले वही है, ये बाकी चीजें फिर बाद में आती, तभी हम एक बड़े धमाके से ही शुरू किया ना, मतलब जी। अंबर का क्या है भाई सीन? कार 2016 बेसिकली, चीज़ें तो बहुत सारी है लेकिन चले इसी से स्टार्ट करूं। गाड़ी भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि शुरू से व्हेन आई वाज मैरिड तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी। मैंने विदाउट कार मैंने एग्जीबिशंस भी की हैं शोबिज में आने से पहले, रिक्शा में भी गई हूँ, बेटी को भी प्रैम साथ लेके, तो मैंने काफ़ी काम किया, अल्लाह वाला मार्केट, फिर पीसी में 3,000 का स्टॉल लगता था, वहाँ पे भी मैंने गाड़ी नहीं थी। तो जब मैं शोबिज में आ गई थी तो सबसे बड़ा एसेट तो मेरा शोबिज है, जो मैं कहती हूँ, मैं सलाम देती हूँ, सलूट करती हूँ। सबसे अच्छा फैसला तुम्हें लगता है जिंदगी का? सबसे अल्लाह ताला ने कुदरती, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की प्लानिंग है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था निदा कि मैं कभी शोबिज में आऊंगी। मैं फैसिनेट होती थी, मैं कहता था कितना अच्छा लगता है, तो मैंने कहा मैं तो आ ही नहीं सकती, मैं फोटोजेनिक नहीं हूँ, एक्टिंग नहीं, लिटरली मैं सोचा नहीं था। ये तुम ऐसा क्यों अपने बारे में सोचती यार, बस मेरा ये था, बस शादी हो गई ना, मेरा घर हो, मेरे बच्चे हो, मैं मेरा मियाँ मेरा घर, मेरी सोच ये थी, जैसे कि नहीं फिल्मी वाली सोच होती है, प्यार मोहब्बत, प्यार में मैं मियाँ के लिए जान भी दे दूँ, मेरी पर्सनालिटी वो वाली थी, वही। अच्छा, मतलब तब रियलाइज हुआ था कि मुझे आना चाहिए? नहीं, मेरे मियाँ ने भेजा था। अच्छा, उससे पहले बचपन वगैरह नहीं, मैं खुद कभी भी नहीं, मैं तो पैदाइशी मुझे था, मुझे ब्यूटिशियन का था, मेकअप करना, ये करना, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू से रहा है, लेकिन शोबिज में मेरे हस्बैंड ने भेजा कि जाओ जाके पता चले, लाइक। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने मेरे लिए, क्योंकि तब देखो डाइवोर्स नहीं हुई थी, शायद मेरे लिए इतना अच्छा वो प्लेटफॉर्म बना है जिसने मेरी जो ज़िंदगी है पूरा सपोर्ट मेरे शोबिज़ ने किया है मुझे, मैं क्यों झूठ बोलूं। तो वहाँ से जब मेरी पैसे आने लगे तो पैसे से फिर मैंने गाड़ी ली, मैंने जब इसको डाउन पेमेंट दे के थोड़े से मैंने बैंक से 5 साल का वो लिया था ना, यकीन करो मुझे इतनी खुशी हुई थी, मैंने कहा था ओ माई गॉड कि मेरी का, आज मैं कहती हूँ आई फील प्राउड, बेसिकली आई फील प्राउड कि मेरी अपनी मेहनत की कमाई, मुझे मेरे मियाँ ने लेके नहीं दी तो दी मेरी अपनी है कमाई, कि मैंने मेहनत किया, दिन रात काम किया, और ये आज तो ये जो खुशी है ना मुझे बहुत मिलती है। आज भी मैं देखती हूँ गाड़ी को, मुझे बड़ा टिप टॉप रखूँ अपनी गाड़ी को, स्क्रैच हुआ है अलबत्ता है कि मोटर बाइक्स वाले इतना मार देते हैं, पहले मैं इतना फ्रस्ट्रेट होती थी मुझे, अब मैं कहती कोई बात नहीं यार, आ जाएगी अल्लाह ताला, कोई बात नहीं, अल्लाह और दे देंगे, इसी को कर लो, हेल्थ से और मैं स्ट्रेस लूँ और मैं पागल हो जाऊँ, काम डाउन हो गया, स्क्रैच पड़ गया कि इतनी पड़ी ना, मैं वो हो गई डीट, अच्छा ठीक है करवा लूँगी, कोई बात नहीं, मेहनत है, पैसे जाए होंगे, कोई बात नहीं, अल्लाह मियाँ आप बंदोबस्त कर, अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे करती हूँ। तो ये सुकून आ गया है बेसिकली, वही वाली मेंटल पीस, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड ऑल दैट। तो गाड़ी वॉज अ बिगेस्ट, एक मतलब बिगेस्ट क्या, शोबिज, अल्लाह ने मेरा ट्रैक शोबिज में लिया है। आप एक अगर हम ये गिनती करते हैं कि शोबिज जो आपका प्रोफेशन है वो आपका बेहतरीन इंतखाब
आपको लगता है बेहतरीन, और जो गाड़ी है जिसकी वजह से आप इधर से उधर ट्रैवल कर सकती हैं, अपने काम कर सकती हैं। यार बगैर गाड़ी के तुम खुद सोचो कितना मुश्किल है। तो और आपकी अपनी कमाई की गाड़ी, मियाँ ने नहीं दी किसी इन्वेस्टमेंट, होल एंड सोल। और अगर एक्सीडेंट भी करना है तो कोई डांटने वाला नहीं है। हाँ, मुझे ये बात क्योंकि मुझे याद आ रहा है तो डांटने वाला नहीं है। इस पे तलाकी हो जाती है। अरे आई नो, मैं बता दे कर ने गाड़ी मार दी, यूएस में तलाक हो गया। मैं गाड़ी जब नहीं, अपनी गाड़ी नहीं थी, मैंने सिर्फ जो है साइड में खड़ी हुई टीपू सुल्तान रोड पे, तो बस आया उसने, मेरा चेहरा ऐसा बाहर था, मैं कुछ बुक कर रही थी, एक सेकेंड को बस मैं अंदर हुई हूँ और बस ने शीशा उड़ा दिया। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया था, बजाय से पूछते तुम कैसी हो, इतनी डांट पिटी थी मुझे, इतना मैं रोई थी उस पर कि ट्रॉमा हुआ अलग था, डांट बहुत पिटी थी, गाड़ी का ये कर दिया, यहाँ क्यों नहीं खड़ी की, वहाँ क्यों नहीं खड़ी, मतलब थिंग्स लाइक दैट। ये नहीं पूछा कि तुम कैसी, तुम तुम्हें तो चोट नहीं आई? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं था। तो बेसिकली वो तो खैर अलग कहानी ना, खैर छोड़ो, बट आज ही मेरी अपनी गाड़ी है, ठीक है, मुझे कोई डांटने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, हो गई खराब हो गया, हालांकि दूसरे लोग मारी अभी तक गाड़ी, कोई बात नहीं, हो जाएगी सर, मैं अपने आप को कूल डाउन कर लिया है, काम डाउन कह सकते हैं। तो ये अंबर कूल डाउन हो नहीं सकती है, मैं आपको बता रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। जो एनर्जी, जो फायर इसके अंदर है वो नहीं कोई वो तो है फायर पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे से कि हमारे लिए बेहतरीन, बेहतर से बेहतरीन क्या है, और वो वक्त के साथ साथ हमें पता चला है। सो ऑब्वियसली बहुत सारे आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि दिस इज़ बेस्ट फॉर मी, मगर वो ये भी है कि आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है, अपनी गलतियाँ करते हैं, फिर उसको रिजेक्ट करते हैं, नहीं 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 ये मेरे लिए ट्रायल एंड एरर, पूरी जिंदगी है। सुनो आजकल कितनी महंगी हुई गाड़ियाँ, तुम सोचो, तुम अपना फ्रेम देखो, तुम बिल्कुल निदा के ना सेट के कप्रॉप लग रही हो, बिल्कुल जो सारे बॉस के साथ ना मैचिंग, आप चेक करें अंबर की ये लेफ्ट वाला राइट वाला तक ये से भी मैच कर रही है पिलो से। सो ट्रू, तुम इसको यहाँ रख लो, तुम्हारी सेट का हिस्सा है, बिल्कुल ये प्रॉप है इस वक्त, अंबर इतनी सूट कर रही है। मैंने ये नोट किया है जब से अंबर अमेरिका से वापस आई है ना, ये थोड़ी सी जज्बाती हो गई, मैंने इसके अंदर ये चेंज देखा है, मुझे नहीं पता शायद क्या हुआ बाबा, हुआ क्या? नहीं 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 नहीं, इससे सर जो पुराना एकदम, मतलब कभी कभार होता है, मैं नहीं जाता, बिल्कुल होता है, कुदरती आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है ना, आ रहा बैठे बैठे। मैं देखो, मैं कभी भी पुरानी यादें, खास बात है अल्लाह का शुक्र है, मैं पिछला सोचती हूँ, मैं रिग्रेट नहीं, बंदा भुलाने जाता है, ये याद करके आ गई वापस, देखो अंबर बुलाना पड़ेगा, पहले अच्छा भला भूल के बच्ची को भेजा हमने और ये आ गई वापस याद करके। अभी फिर गाड़ी जाने से पहले एक मोटर बाइक, यार प्लीज मोटर बाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस कर ले मेरी, कभी मैं बताऊंगी कैमरे के आगे, वो नहीं जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती है, गाड़ी खड़ी हुई मेरी शहबाज पे, धड़ा के मारती, ये ऐसा होता है मेरे साथ तो। हाँ, ये कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, खड़ी हुई गाड़ी को मारते हैं सब लोग, तुम गाड़ी में ना कांटे लगा लो, कुछ ऐसे होते ना डेंटिंग पे कांटे लगे हो, जो टकराए वही फट जाए, हासिल कितनी होती है ना, जाना वापस आओ, फिर गाड़ी बनने देना, फिर रो फॉक्सी ले लो, फॉक्सी को कुछ नहीं होता। अच्छा एक बात बताएं, एक बात बताएं, आपका बहुत ज्यादा ये डीप रूटेड फियर तो नहीं है कि मेरी गाड़ी को कोई ना मार दे हर वक्त? जो डर होता है ना वही होता है, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू। मेरे आती है जर्मनी से, वो कहती है ओके जो है ना मैं अब नहीं आऊंगी, उनके पैसे छिन जाते हैं, उनके सोने की चेन देखिए उनके नहीं होता, वो डरती है। ये एक बात है, मैं पॉजिटिव, मैं वो नेगेटिव सोचती नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बहुत जो है वैलिड फिनोमेना है कि आप जो मैनिफेस्ट करेंगे, आप सोचे जा रहे हैं, आप दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, अगर आप डर डर के और दुख में जिंदगी गुजारे तो एक आइडिया दे रहे हैं, जब घर से निकलो ना, सबका तो है मस्त, गाड़ी इंश्योर करा लो, टेंशन फ्री यार, सब तुम्हें क्या लगता है इंश्योर नहीं है गाड़ी इंश्योर, एक दर्द अभी गाड़ी पे शो हो रहा है, आगे बढ़ो, दोबारा मार दी रिगो ने, मार दी खड़ी गाड़ी को, फिर दोबारा खड़ी गाड़ी, बहुत दुखी है आज, बहुत दुखी है, अगला वाला दिखाएं किसको क्या खड़ी हुई गाड़ी को, बेहतरीन इंतखाब है, आगे बढ़े। हाँ ये इधर भी, ओहो एक और गाड़ी की कहानी। अच्छा वो बेटा आज का गाड़ी शो है, मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि दो मेरे एक्सीडेंट्स हुए यहाँ जब मैं कराची आई, और
ड्राइवर को चला रहे थे, तो मैं उसके बाद से मेरे अंदर इतना फियर ऑफ कार हो गया ना कि मैं अभी भी वाले ड्राइवर भी भाई लेके आ रहे थे, उनको पता मैं चीखे मारती भी आती हूँ, लगता है इधर से गाड़ी आ रही है उधर से आ रही है, तो मैं अच्छा। मुझे मैंने ना सफ़र करना बंद कर दिया था, मैं कह रही थी मैंने बाहर कहीं जाना ही नहीं है, कि मुझे गाड़ी में बैठते ही ना ऐसे कुछ होता है, फिर मैं ऐसे ऐसे ब्रेक भी मारने लग जाती हूँ जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, पैसे इतना तंग हो चला रही होता और मुझे शदीद एंजाइटी है शदीद, कि मेरी ना ऐसे बॉडी खिंच जाती है ऐसे ऐसे ब्रेक कोई दूसरा होती हूँ पता है, इफ यू आर ड्राइवर योरसेल्फ ऐसे मेरी ऐसे बॉडी हिल रही होती है, फिर कहते पागल है तो क्या मसला है, तो क्यों ऐसे, मैंने कहा नहीं कर क्या रही हूँ, मैंने कहा ब्रेक करो, तुम्हारे पास ब्रेक नहीं है, मैंने कहा आई नो प्लीज डिस्टेंस रखो, फिर मेरा एक फॉर्मूला होता है चार गाड़ियों का डिस्टेंस रखो, तो फैसल कहते हैं फिर तो गाड़ी अंदर आएगी, मैं कहा आने दो, लेकिन चलो चार गाड़ी रखो, इतना हो कि आगे वाला ब्रेक लगा था, मुझे बस किसी के साथ ना गाड़ी में बैठना, कोई और ड्राइव करे, अच्छा, तो मेरे साथ और मैं कराची में ड्राइव नहीं करी थी क्योंकि मुझे डर बड़ा लगता है, कराची की ड्राइविंग बहुत ही खौफनाक है, लेकिन दुबई इस्लामाबाद में बड़ा ड्राइव किया, मैं कहा क्या करूँ क्या करूँ, ये तो पागल ये तो बीमारी बनती जा रही है मुझे, कहीं मैं जा नहीं रही कुछ, मैं कहा मैं गाड़ी लूंगी अपनी पसंद की तभी चलाऊंगी, तो फिर मैंने पसंद की गाड़ी ली, फिर ये एक डिस्टेंस वगैरह का जो मसला था वो भी मैंने कहा मैंने हाइब्रिड गाड़ी लेनी है ताकि मुझे फ्यूल गाड़ी बड़ी हो, क्योंकि बड़ा मुझे टैंक चाहिए ताकि प्रोटेक्शन हो और ये खड्डे बड्डे भी ना फील हो, हालांकि यहाँ का फॉर्मूला क्या है, कराची में अच्छी गाड़ी रखने का कोई फायदा नहीं, मैं क्यों नहीं फायदा, जब मैं रह कराची में रही हूँ तो मैं क्यों ना अच्छी गाड़ी रहना यही है, और देखिए गाड़ी आपका सिर्फ अय्याशी नहीं है, मेरे केस में या सबके केस में गाड़ी फॉर प्रोटेक्शन ऑल्सो, गाड़ी आपको दूसरी गाड़ियों के इम्पैक्ट से बचाती है, तो जो छिलके वाली छोटी गाड़ियाँ ये कोई नहीं बचाती आपको, तो सीधा आपको इंजरीज होती हैं, तो मैं डरती बहुत ही, तो मैंने बड़ी गाड़ी ली हाइब्रिड ली, और मैंने और उसके बाद अब क्या हुआ है कि मैं चलाने लगी हूँ, इंजॉय करती हूँ और सुकून से सेफ, आई फील वेरी सेफ, फ्यूल वाला खर्चा भी डेढ़, बहुत गाड़ी चलाओ आप कितने 1300 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलती है बड़ी वाली, एक फ्यूल का टैंक फुल करके, आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड, या 1300 किलोमीटर, तो वो डेढ़ महीने बाद आराम से टैंक फुल करा लिया, अरे वाह, पता ही नहीं चलता, हाँ डेढ़ दो महीना बेहतरीन इंतखाब भाई, एंड डिस्टेंस देखो मेरा कितना है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब 1300 किलोमीटर करके फिर आपका टैंक आपका खाली होता है, तो हाइब्रिड गाड़ी बहुत अच्छी है, सुकून हो गया, और ये कि आई फील सेफ, तो अब मैं चलाने लगी हूँ तो मैं सुकून से खुद जाती हूँ, मैं वो डर वाला चीज एआरवाई भी खुद ही आई है आज, हाँ आज मैंने देखो देखो ना वही तो, हाँ भाई नेक्स्ट किसका क्या बेहतरीन इंतखाब, हाँ शर्मीन मेरा जो बेहतरीन इंतखाब था, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ, वो था अपना अलग घर लेना, क्योंकि आपको पता है कि जब यू नो आफ्टर माय सेपरेशन व्हेन आई केम बैक, ऑब्वियसली मैं अपनी बहन के साथ रह रही थी, और शेयर्ड स्पेस में ये तो है कि आपको आपकी फैमिली की बहुत सपोर्ट होती है, बट एट द सेम टाइम प्राइवेसी नहीं होती लाइफ में, और क्वालिटी भी टू सम एक्सटेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, तो मैंने आपके पहले शो में भी डिस्कस किया है कि जब मैंने काम करना शुरू किया तो आई स्टार्टेड सेविंग एवरी पेनी, फॉर 5 years मैंने अपनी ज़ात पर एक पैसा नहीं खर्च किया, कुछ नहीं करती थी, मेरी अम्मी कहती थी तुम महीने का 2000 का फल ले लोगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा ये मेंटल ब्लॉक था कि नहीं मैंने अपना घर लेना है, जब तक कि मैं वो नहीं कर करती मेरी ज़िंदगी जो है वो जिस तरह की मैं ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ वो होगी नहीं, तो और उससे बेटर उससे भी अच्छी चीज़ ये हुई कि क्योंकि मेरी अम्मी का और मेरी बहन का अपार्टमेंट साथ साथ है, आई यूज़ टू लिव विद माई सिस्टर, तो मेरा एक बेस्ट जो डिसीजन था वो लाइफ का कि मुझे अपार्टमेंट बराबर वाला मेरी बहन का मिल गया, तो इवन दो नाउ आई हैव माय ओन स्पेस, आई लिव क्लोज टू फैमिली बट आई एम राइट नेक्स्ट डोर टू माय मदर एंड माय सिस्टर, तो सिक्योरिटी भी बहुत है और अपनी प्राइवेसी भी है, अपनी स्पेस भी है, और उसकी वजह से क्योंकि देखें जब आप किसी के घर में रह रहे होते हैं तो आपको अपनी बहुत एक लिमिटेड स्पेस में रहना होता है, यू कांट टेक एडवांटेज ऑफ द अदर पर्सन, ग्रेशियसनेस, बिल्कुल, अगर आपका अपना जमीर भी होता है ना, आपको बार बार वो होता है कि मतलब ये फील करते हैं कि हम बर्डन ना हो किसी पे, अंदर अंदर ये शादी से पहले एक अलग बात होती है, शादी के बाद एक अलग आ जाता है, उसके अलावा मेरी बेटी मेरे साथ थी तो आपको ये फील होता है, आप किचन में अगर आपको कुकिंग करनी है कोई यू नो एकदम से और टाइम पे आपके बच्चे ने कोई फरमाइश कर दी तो मैं बड़ा कॉन्शियस होती थी और मैं बहुत गिल्टी भी फील करती थी, बिकॉज ऑब्वियसली माय सिस्टर वाज यू नो शी हैज अ ह्यूज हार्ट, उन्होंने कभी मुझे नहीं इस तरह की कोई फीलिंग दी, लेकिन मैं खुद बहुत कॉन्शियस रहती थी, तो वो जो है ना मैंने जो वो 5 से 6 साल बेतहाशा, खैर अल्लाह मियां कराने वाला है मैं क्या चीज हूँ, लेकिन अल्लाह मियां ने बहुत साथ दिया, तीन अपार्टमेंट की स्पेस पूरा पेंट हाउस है, एग्जैक्टली तीन अपार्टमेंट को अगर मिला दो कितनी जगह हो गई, बहुत जगह, मैं तो वो स्क्वायर फुट का सोच रही हूँ रेट, बहुत जगह है तुम्हारा,
इट्स लिटरली लाइक दैट तो कितना फायदा हो तीन अपार्टमेंट साथ-साथ है तो हमने यहां पे ना घर आ जाए 500 गज का तीन बेड मेटल गेट लगा लिया और सिक्योरिटी हो गई पूरा कॉर्नर हमने अपना अलग कर लिया अच्छा पता है मैं जो औरतों की समझ नहीं आती और है मेरी ऐसी दोस्त हैं जिन्होंने ठीक ठाक अपना लाइफ में कमाया एक टाइम पे और उसके बाद कुछ नहीं होता कुछ भी नहीं होता घर हाँ, बहुत से ऐसे लोग नहीं गाड़ी तो नहीं खर्चे होंगे ना कहीं सेविंग की कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं यार बस उस टाइम हमने उड़ा लिया बस उस टाइम खर्चे बड़े थे हमने एंजॉय कर लिया सेव नहीं करती और बच्चे ऐसे आजकल के यार नादिया मैंने भी कोई सेव नहीं छोटे बच्चे जो अभी ये बच्चे टीनेजर ये ऐसे हैं कल की कल देखी जाएगी लाइफ एंजॉय करो मैंने भी बहुत जोड़ा पैसा ये शर्मीन की तरह मुझे बहुत अच्छी लगी बात अपने पहले गोल्स बना लो लाइफ में घर हो जाए ये हो जाए ये चीज हो जाए उसके बाद मैं सबको कहती हूँ की यार 5 लाख जमा हो गए घर में स्टाफ काम करते मैंने कहा बच्चा करना है पहले 5 लाख जमा करो फिर बच्चा करना ये नहीं बहू तो बच्चा आएगा तो साथ में खुद ही माल आएगा क्या गारंटी है कहाँ से आएगा तुम्हारा क्या होने वाला कमाल लॉटरी निकलेगी कोई तुम्हें एकदम डोनेट कर देगा कोई प्लॉट कैसे आएगा कुछ नहीं ऐसा होता मैं कह नहीं ये बच्चा बेशक अपनी किस्मत लाता है लेकिन माल की कोई गारंटी नहीं है वो माँ बाप को अरेंज करने 5 लाख पर बच्चा रखो जब जमा हो जाएंगे बेबी कर लेना नहीं नहीं बहुत अच्छा इसने अपना वो किया देखिए जब मैंने अपनी अर्निंग स्टार्ट की थी ना जब एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई वाज वर्किंग इन माई लाइफ सेपरेशन के बाद मैंने उससे पहले जिंदगी में कभी काम नहीं किया था आई वाज 17 व्हेन आई गॉट मैरिड बहुत शेल्टर्ड लाइफ थी तो जब मैंने काम करना शुरू किया और पैसे आना शुरू हुए तो मैं छोटी थी उस वक्त और मैं अपनी बहनों को अपने इर्द गिर्द देखती थी वो हर तरह के डिजाइनर्स ले रही हैं शॉपिंग कर रही हैं ट्रैवलिंग कर रही हैं उस वक्त मैं अगर उन चीज़ों में पड़ जाती और मैं टेम्प्ट हो जाती तो मैं नहीं सेव कर पाती लेकिन अल्लाह मियाँ ने उस वक्त इतनी ताकत दी और इतनी डिटर्मिनेशन दी कि मैं ये कर गई और अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुझे बड़ी खौफनाक बात याद है मेरी सहेली बहुत पैसे वाली बहुत वेल सेटल्ड सारी जिंदगी हमने उसको देखा तो जब वो भाई बहन भाइयों ने कहा तुम्हें तो किसी चीज की जरूरत नहीं है तुम्हारा मियाँ इतना वेल ऑफ है तो उसके नाम कुछ नहीं किया उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे मियाँ तो इतने वेल ऑफ हैं ये तो जी दुबई में घर कनाडा घर बिजनेस चीजें सारा और मियाँ ने कहा मेरा सब कुछ तो तुम्हारा है अब नाउ शी इज 50 हस्बैंड ने डिवोर्स दे दी शादी कर ली शी हैज नथिंग भाई कह रहे हमारे पास तो कुछ नहीं मियाँ के ने कहा मैं भी कुछ नहीं दे रहा बिचारी मतलब सोचा भी नहीं था उसके नाम हाँ, अब वो कह रही है कि नादिया मेरे पास सिर्फ अगले 6 महीने के रेंट और खाने के पैसे अभी मैं क्या करूँ अच्छा एक और चीज मैं ऐड कर सकती कैसे जिंदगी बदलती है ना नहीं पता चलता आप जवानी में देखिए जवानी है कमाने और सेव करने के लिए सीधी बात कह रही है आगे पैसा जहाँ वो बात हो रही है कि अपने लिए क्या बेस्ट चूज किया वही आपकी वाली बात मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी औरत के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है मेरा जिंदगी का आई वुड से बेहतरीन इंतखाब जो था अपने लिए वो ये था व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग मनी फॉर माई सेल्फ आप नहीं चाहे ठीक है आप शादीशुदा हों आप बहुत अच्छे खुशहाल रिलेशनशिप में हों बट यू हैव टू बी फाइनेंशियली सिक्योर क्योंकि जैसे कि आपने कहा वक्त का नहीं पता होता आपको आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं अल्लाह में उन सबको बहुत लंबी जिंदगी दे आपको नहीं पता कौन बदल गया भाई बदल गए क्या पता था और कौन कब तक आपके साथ exactly. है तो आप अपने आप को फाइनेंशियली जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा इन माय ओपिनियन एक रिस्क फैक्टर बन के रहेगी तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा डिसीजन था व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एंड व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग माय ओन मनी स्मार्ट अल्हम्दुलिल्लाह तो भाई आप इन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप टीनेजर हैं और अगर आप यंग हैं और आपको नहीं पता कि आपने अपनी जिंदगी की सिम्त को किस तरफ लेके जाना है सो यहाँ कुछ ऐसी बातें हो रही जो स्किन केयर और हेयर केयर से ज्यादा इम्पोर्टेंट आई वुड से यस 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 ओके जी नेक्स्ट अब क्या किसके पास जा रहे अंबर ब्यूटिशियन ये तो मैं इसलिए मैं कह रही थी क्योंकि अभी जैसे कि मैं शौक था इसको भी मैंने कटिंग सीखी सैलून भी अपना सब चीज़ें तो आज मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे कभी बाहर सेटल होना पड़े जाना है तो मेरे पास एक टैलेंट तो है एक हुनर है हुनर है ठीक है ना शोबिज़ तो वहाँ नहीं होगा बिल्कुल कभी मैं यूएसए जाती हूँ अपने जो भी आगे आगे का किसी को नहीं पता ठीक है लेकिन मेरे पास वहाँ मैं क्या करूँगी शोबिज़ तो मुझे सब कहते हैं तुम्हारे पास तो इतना है तुम कपड़े कर सकती हो क्योंकि कपड़ों को भी कर लेती हो डिज़ाइनिंग और सब एग्जीबिशन प्लस ये तो एटलीस्ट खुद कटिंग करना खुद आप जब को अपना सैलून भी है आपको पता है नो हाउ के क्या करना है चीज़ें आप बहुत चीज़ें सीखते हैं जब जिस काम में हो तो ये टैलेंट है जो कि हुनर है कि मेरे पास मेरे मरते दम तक मेरे साथ है देखो मेरे हाथ छीन नहीं सकता आपसे मैं एक कमरे में भी खोल कर
कमा सकती हूँ पैसे, बिल्कुल, चाहे मैं स्ट्रीक्स करूँ, कट करूँ, सब मुझे नॉलेज है। तो मैंने अब क्योंकि कटिंग भी है सीखा ना, शौक तो नेचुरल था मेकअप का, लेकिन हेयर कटिंग, स्ट्रीक्स ये सब सीखी। तो ये मतलब मैं सोचती हूँ जब, तो मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का कि मेरे पास हुनर है कि ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, ऑप्शंस हैं। मुझे इतनी अच्छी लगती हैं वो बच्चियाँ जो अपना टाइम नहीं वेस्ट करती, वरना बड़ा होता है इसकी बर्थडे में चली गई, उसकी टिकटॉक बना ली, ये कर ली। वो बच्चियाँ क्या करती हैं, पढ़ाई के साथ साथ कोई स्किल सीख रही होती है, ये सीख रही। मतलब मैंने ऐसी ऐसी लड़कियां देखी को अपना कोई दो महीने की छुट्टियां आई, ये सीखने चली गई, अच्छा कोई कंप्यूटर कोर्स कर लिया, कोई ये कर लिया। मतलब कि वो अपने टाइम को, मैं बच्चों को भी ये समझाती हूँ टाइम इज मनी, अगर अपना टाइम वेस्ट करोगे और वो भी एक सर्टेन एज पे, पूरी जिंदगी रेग्रेट करोगे। तो वही वाली बात है कि स्कूल्स को स्किल नहीं सिखा, कॉलेज को तजर्बा, और हाँ प्रैक्टिकली आप जब आते हैं ना, और क्योंकि पहले मैं देखो वर्कर्स थे ना, फिर जब थोड़ा सा हुआ मैंने खुद करना सीखा, तो जब मैं खुद करती हूँ ना रिबाउंडिंग या कैरेटिन ये सब चीज़ें, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आई डोंट नो, आई फील हैप्पी। अब चाहिए इतनी सी खुशी मेरे लिए अच्छा है, तो आई फील गुड। सारी बात ये है, तो कम अज़ कम मैं मोहताज नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला की मोहताज हूँ, और किसी की मोहताज नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा, टैलेंट है, बिल्कुल दिया ही चीज़ें। तो बीइंग अ ब्यूटिशियन काफी चीजें, तो आपको लगता है आपका बेहतरीन इंतखाब है फैसला? हाँ, कि मैंने कोर्स किया, अब शायद ना करती, एक वक्त होता है जब कर लेते तो कर लेते, कोई वक्त नहीं होता। मैं अभी तो अभी कोर्स कर रही हूँ ना डिजाइनिंग का, हाँ माशाल्लाह, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे सुकून मिलता है। हो सकता है कि जब मैं ये उस वक्त करती जब पढ़ाई की एज थी तो मुझे मजा नहीं आता, जब मुझे मजा आ रहा है, मैंने नहीं देखी क्या उम्र है क्या है, नहीं नहीं इसमें मुझे सुकून मिल रहा है, ओके गो फॉर इट। सो मैं तो औरतों को भी कहूंगी जिनके अभी बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं, जॉब्स कर रहे हैं, वो फारिग घर में बैठी हुई और कहती रहती है अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती, इसकी गॉसिप उसकी गॉसिप, यार क्यों नहीं कर सकती, कितनी चीजें हैं, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, अरे भाई उसके भी कोर्सेज हैं, वो कर लो। घर में इज्जत होती है जब आप कमाने लग जाते हैं और आप घर से भी कमा सकते हैं। आप देखिए आपका मियां आपको डिफरेंटली लेगा, आपको ससुराल वाले डिफरेंटली ट्रीट करेंगे, मैके में इज्जत होगी कि ये चार पैसे कमा रहे हैं, कमाते हैं ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। अच्छा मैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर जरूर बताना अपनी। ठीक, ओके जी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे आज सब ये बात कर रहे हैं बेहतरीन इंतखाब का, सो जैसे अगर मैं भी बात करूं आज, तो मैं ये कहूंगी कि पहले वैसे तो मैंने सोचा था कि अच्छा मैं फिजिक्स पढ़ूंगी, उसके बाद फिर मैं होटल मैनेजमेंट करूंगी, मैंने तो वो सोची भी थी अपनी लाइफ। फिर पता नहीं किसी तरह घूम फिर के मैं दोबारा इस शोबिज लाइफ में आ गई, और मुझे लग रहा था अच्छा जी एक्टिंग है मेरा करियर, लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मोल्ड होते 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 मुझे खुद अल्लाह ताला ने इस जगह पहुंचा दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि उस वक्त मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था, अल्लाह पूरे मुंह में ब्राउनी भरा मेरे बेस्ट लाइफ का डिसीजन था कि मैं बच्चों को भी देख सकी, घर को भी देख सकी, और काम भी चलता रहा। मुझे तो था कि बस अच्छा एक्टिंग करती रहूंगी, चलो पॉकेट मनी आ जाएगी, वो वाली चीज। सो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ अल्लाह ताला मुझे लेकर आया वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन इंतखाब था। बिल्कुल, बातें करने का शौक है, उसके पैसे भी मिलते हैं। नथिंग बेटर, आई गेट नथिंग बेटर भाई, पहनना और ना सारी चीजें, और मतलब आपके आपकी एक, मैं तो शादी इसीलिए की थी कि जल्दी की जगह पहनने ओढ़ने का शौक था, वहां तो मिला नहीं, यहां मिल गया। लेकिन अल्लाह ताला ने कभी कभार अपनी जिंदगी के डिसीजन लेने के लिए आपको अपने कम्फर्ट जोन से भी निकलना पड़ता है, जरूरी नहीं। वो वेरी लकी कि आपको वही फील्ड मिल गई जिसमें आपका इंटरेस्ट था, जैसे कि आपने कहा आपको बात करने का शौक था आपका, लेकिन मुझे कंफर्ट जोन से निकलना पड़ा। हाँ, जैसे दो महीने मेरा मियां नाराज रहा था मुझसे क्योंकि मैंने ये शो शुरू किया था। अच्छा, मेरे लिए एक्टिंग करना एक ऐसी अजीब सी बात थी कि जब मैंने अपनी फैमिली को ये आइडिया फ्लोट भी किया, तो एक तो मुझे खुद नहीं यकीन था कैसा होगा, दूसरा मेरी अम्मी, हालांकि यू नो शी वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड शी डिड नॉट बिलीव कि इस तरह से हर इंसान के रिजर्वेशंस होते हैं ना इस फील्ड को लेके, लेकिन उन्होंने मुझे इसलिए नहीं रोका क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरी बेटियों में से, आई एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दिस प्लेंटी ऑफ टाइम्स, कि उनको था कि अगर मेरी पाँचों बेटियों में से अगर एक है जो नहीं कर सकती वो ये है, तो अगर ये कह रही है इस ऑडिशन पे जाना है, जाने दो, बुरी तरीके से फेल होके आएगी और फिर चैप्टर क्लोज हो जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा से इतनी शाय थी,
एन इंट्रोवर्ट, मुझसे लोगों से बात नहीं होती थी, मैं बाजार जाती थी तो मैं अपनी अम्मी को साथ लेके जाती थी क्योंकि मैं इतना भी मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अपना कपड़ा अपने लिए खुद खरीदूं। तो मेरे लिए ये काम स्टार्ट करना, मुझे अपने आप को ब्रेक करना पड़ा था। और शुरू शुरू में आप इमेजिन नहीं कर सकते, जब मैं सेट पे जाती थी और मुझे जब सीन करना होता था, सीन में आपको पता है 25 लोग खड़े हुए होते हैं, आपको देख रहे होते हैं, अपनी अपनी जॉब कर रहे होते हैं, बट एट द मोमेंट, इन द मोमेंट देयर अटेंशन इज ऑन यू, सब आपको देख रहे होते हैं। तो मुझे इतना, मैं रो रही होती थी अंदर से कि मैं किस तरह से करूँगी ये, क्योंकि मेरे ये नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट था, लेकिन मुझे करना पड़ा और मैंने अपने आप को सख्त किया क्योंकि वो वक्त ऐसा था कि मुझे इस तरह का स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, मुझे अपने लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी था। मैं अपने माँ बाप के लिए और ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं ऐड करना चाहती थी, मुझे अपना अपना सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करना। और यही हुआ कि करते 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 फिर सेट हो गया, इंसान भी सेट हो जाता है, काम भी सीख लिया, अल्लाह ने बहुत मदद की। ऐसे भी अगर मैं तुम्हारी बात से कि मैसेज लूं और लोगों को दूं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, कुछ रिस्क लेने पड़ते हैं जिंदगी में सक्सेस के लिए। आपको बहुत जरूरी है, जहां आप कंफर्टेबल हो गए ना लाइफ में, वहां आपकी जिंदगी मुझे लगता है रुक सी जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है। आप जब तक अपने आप को चैलेंज नहीं करते रहेंगे ना, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। वही ना, मेहनत करते हो। बिल्कुल। अब बताएं भाई, नेक्स्ट किसका वो है गुड डिसीजन? होमस्कूलिंग। हां, ये एक बहुत रिस्की और बहुत बड़ा फैसला। और एक होता है कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए फैसला लें, ठीक है, जब बच्चे की ज़िंदगी के लिए फैसला लेना हो तो आई थिंक उससे स्केरी चीज़ कुछ नहीं हो सकती कि अगर गलत हो गया तो बच्चे की लाइफ ख़राब हो जाएगी, बच्चे की करियर ख़राब हो जाएगा बच्चे का। तो मुझे बच्चों का डिसीजन लेते हुए बहुत डर लगता है, और बच्चे होते हैं कि मम्मी आप बताएं। तो अजान का मैं आई वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट हिज स्कूलिंग, कि बातों में आ जाना, फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस, वो बच्चा ऐसा है, दोस्तें बना रहा है, दोस्त उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। और पढ़ाई में ये एक स्ट्रगल करना, जब आप नज़र रखेंगे फुल तो 90%, आप जब खुद छोड़ देंगे कि खुद पढ़ लेगा, चलो जी उसमें फिर नीचे चले गए। तो मैं बहुत इसके लिए परेशान रहती थी। दूसरा ही, मैं लास्ट टाइम इसके बल्कि स्कूल की गलत तारीफ भी कर दी तुम्हारे शो पर, क्योंकि शुरू शुरू का था। उसके बाद मैंने देखा कि यार बड़े अटेंशन दे रहे हैं, बच्चा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, टीचर ने कहा मेरे घर आके पढ़ोगे तो ठीक है ना, तुम इसको एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए, चलिए नादिया 25,000 दे दो। नादिया ने दे दिया 25,000, तीन चार सब्जेक्ट्स की हेल्प हो गई। अब बच्चा सुबह 6 बजे जा रहा है, रात को आ रहा है 9, जाना भी दूर। और फिर उस टीचर ने उसके बाद कुछ महीनों बाद कहा कि मैं 30,000 लूंगी पर सब्जेक्ट, और ये उसकी क्लास टीचर है अजान की। मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा अजान को भेजना, ड्राइवर, पेट्रोल, गाड़ी, स्कूल की फीस, स्कूल भी 70,000 समथिंग आई बी स्कूल, टीचर ऊपर से इसकी मांग रही है 3 सब्जेक्ट्स के 1,00,000, वो हो गया। मैं कहा यार 3,50,000 में इस पे अभी लगा रही हूँ, कल को बच्चे को पैसे चाहिए होंगे तब तो कुछ नहीं होना मेरे पास। मैं इतनी फेड अप हुई, मैं कुछ अरसे आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, मुझे लगा कि ये गलत है, मुझे लूटा जा रहा है, मुझे लूट रहे हैं, स्कूल सिस्टम हमारे एक बाजार, एक ड्रामा बन गया। मैं ओनर के पास गई शिकायत लेके, मैं कहा ये वहाँ नहीं पढ़ा रही आपकी टीचर्स, आपका लिखा है मैंडेट कि नो ट्यूशन, आपकी तो क्लास टीचर ट्यूशन ले रही है, पैसे ले रही है। कह रहे देखें जी प्राइवेटली अब वो जो करते हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा। फिर मैं दुबई में मेरी फ्रेंड है जो कि होम स्कूलिंग करती है, मैं उसके बच्चों को मैंने बहुत सालों से देखा है। अच्छा। और उसके भी बच्चे को टीचर ने कहा था ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, यूज़लेस है। तो उसने अपना काम छोड़ के बच्चों को होम स्कूल करके आज वो इतने सक्सेसफुल हैं, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में बच्चे गोल्ड मेडल्स ले रहे होते हैं। तो मैंने उनको देखा है उस जर्नी में, ये नहीं कि मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट है, मैंने देखे हैं वो बच्चे। फिर मैं गई, मैंने कहा समीरा आई वॉन्ट टू डू दिस। और ये इसके अब सबसे इंपॉर्टेंट साल आ रहे हैं 9th, 10th, 11th, 12th, ए लेवल्स, ओ लेवल्स। मैं कह तो बिजनेस है, सीख कुछ रहा नहीं, स्किल कोई आ नहीं रही है, मैं पैसे दे दे के पागल हो रही हूँ और आगे साल ऐसे हैं। तो फिर मैंने 1 हफ्ता उसके घर में गुजारा, उसने मुझे ब्रेनस्टॉर्म हमने किया सारा, उसने मुझे दिखाया, अजान को समझाया, मैं अजान को छोड़ के भी उसके पास आ गई 2 हफ्ते। अच्छा। और फिर उसने हमें फॉर अमेरिकन डिप्लोमा, एक्रेडिटेड आपके अमेरिकन स्कूल का डिप्लोमा प्रोग्राम जो उसके बच्चों ने किया, मैंने अजान को उसमें एनरोल किया, एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल एनी मोर। और कोई नहीं कि मैं बैठ के पढ़ाती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था ना, जब हम समझते कि होम स्कूलिंग में आप बैठे हैं पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं भी एक ऐसी, ऐसा नहीं होता। मैं भी एक ऐसी शख्स को जानती हूँ जिसने देखा कि ये कोविड में भी फीसें जा रही हैं और सब कुछ है, उसने अपने बच्चों की बेस्ट बेस्ट ट्यूशंस घर में रख दी, ये स्कूल से हटा दिया, वो जो पैसे वहां भरने पड़े थे उसको अच्छे, और बच्चों के रिजल्ट अच्छा है, और हमने एग्जाम दिए। अब वो देखो जो बच्चा सुबह 6 से रात 9 बजे तक बिजी रहता था, आज वो बच्चा सिर्फ 3.5 घंटे पढ़ता है, 3, 3.5, डन।
उसके बाद अब वो कोर्सेज करा। अच्छा, अब इस डिप्लोमा में क्या है, किस चीज के नंबर है? बच्चा बास्केटबॉल खेलता है, पॉइंट्स, क्योंकि आपको वो पॉइंट्स लेने होते हैं, आपको तो क्रेडिट्स लेने होते हैं। अच्छा, बास्केटबॉल, ठीक है। बच्चा जिम जाता है, क्रेडिट्स हैं। बच्चा शौक इस चीज़ का, सोशल वर्क कर रहा है, ज़रूरी है उसको आवर्स करने हैं सोशल वर्क के, उसको स्किल सीखनी है, कारपेंटिंग हो, कुछ हो, ट्रेडिंग का शौक है, कुछ जो वो कोर्सेज कर रहा है उसके क्रेडिट्स और डिग्री मिल जाए। एंड ही इज लर्निंग मोर, जो स्कूल में सीख रहा था टका नहीं, मगर इसकी डिग्री इतना सीख रहा है, चार साल में डन हो जाएगा सब, और इतना सस्ता आपकी सोच है तो, और उसके इसकी डिग्री इतनी है अमेरिकन टीचर्स, आप यूनिवर्सिटी में जॉब, स्कॉलरशिप्स या बर्कले जा रहे हैं, ज्यादा आजकल प्रैक्टिकल चलती है इंटरव्यू पे, क्या टाइम देखो, टाइम देखो कि वो इस एज में अभी जॉब इंटर्नशिप कर सकता है, कोई भी कोर्सेज करता है, ही हैज टाइम। बात ये वक्त, हम जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं वक्त और एनर्जी नहीं है, घर आ रहे हैं गिरे में, क्योंकि मैं बता ना, मेरा बेटा सुबह 6 से 9 बजे तक स्कूल का ट्यूशन में फंसा रहता है, अब 3 घंटे पढ़ने के बाद इज लाइक अब क्या करना है, इतनी सारी चीजें कर रहा है कि आई एम लविंग। काफी साल पहले मेरे शो पे एक कपल आया था, और उस कपल ने मुझे बताया कि उनके 3 बच्चे वो होम स्कूलिंग करते हैं, घर में कोई एक मैथ पढ़ाता है, वो खुद टीचर था, और कोई उर्दू पढ़ाता है, कोई इंग्लिश पढ़ाता है, जो बेसिक पढ़ाई है वो उन्होंने 5वीं क्लास तक घर में पढ़ाया बच्चों को, और जो सारे वो पैसे बचे जो स्कूल के पैसे थे वो इनको अप हिल एरियाज और वहाँ घुमाने लेके जाते थे। कहते हैं वो जो घुमाने में पत्थर निकला, ये क्या चीज है, इसको क्या करते हैं, ज्यादा बच्चे सीखते हैं, नॉलेज ज्यादा है, याद नहीं सिखा रहे हैं टीचर्स, ये स्कूल बिजनेस है, ये तो बहुत अच्छी, टीचर कहती है मैं कैसे 21 बच्चों को पढ़ाऊं, मैं कैसे उसको टेंशन दूं, आजकल स्टैंडर्ड है ना, जितना माओं को बस भेज रहे हैं बच्चों को, पैसे जिनके पास पैसे वो खर्च करें, पर फिर भी बहुत ज्यादा, दिस इज सच अ गुड मैसेज व्यूअर्स के लिए कि कम अज कम ये ना हो कि, और बच्चों पे पता प्रेशर भी बहुत होता है कि वहाँ पैसे दो स्कूलिंग करें, ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं 9 बजे तक, हो गया भाई, और माँ ने देखा है बहुत सी फ्रेंड्स पागल हुई भी होती हैं, हाय बच्चे की पढ़ाई पढ़ाई, मतलब बच्चे पे भी हावी एक बर्डन, स्ट्रेस है, तो ये चीज लाइफ का काम होना चाहिए। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर के हवाले से, क्योंकि जब खुद से कमाना शुरू किया तो जब पैसे आए, और उस वक्त पैसे में बरकत भी बहुत थी, तो एक टाइम है कि फर्नीचर मैंने लेती रही, मैंने खुद अपने पैसों से लिया, मुझे ये शौक है घर को डेकोरेट करने का, तो उस लिहाज से चीज़ें खरीदी करी। अब मैं ये सोचती हूँ कि एक वक्त है कि अब इतना महंगा है फर्नीचर ने, अगर आप जान, एक पतला सा लकड़ी का ना ऑर्डिनरी समय देख रही थी, एक स्टैंड बिल्कुल हिल रहा था, 15,000, जो कि मैं कभी भी ना रखूं, तो इतना एक्सपेंसिव हो गया, तो मेरे जितना फर्नीचर मैंने किया, तो मैंने जो इन्वेस्ट किया फर्नीचर में, इन्वेस्ट किया, तुम्हें लगता है अच्छा किया? मैंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ऑब्वियसली अब मैं शायद करती तो इतना नहीं मुझसे होता, क्योंकि अब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव उस टाइम पे, तो ये भी मैं अब मुझे जरूरत नहीं है फर्नीचर की बेसिकली, बल्कि ज्यादा मैं काम कर सकती हूँ, देखो मेरे पीसेस हैं ना, आहिस्ता एक एक करके चीजें जमा आया कर लिया, बड़ा घर था तो उस लिहाज से मैंने की, उसके पे छोटे में अकोमोडेट किया, सैलून में रखा था, तो चीजें जो है मैं आज भी सोचती हूँ कि चलो वो भी मेरी मेहनत की और अपनी कमाई के पैसों से मैंने फर्नीचर भी खुद लिया। ये नादी ने कहती जैसे इसको निकाल देती है, मैंने डाइनिंग टेबल को 3 दफा ट्रिम किया है भाई, 3 दफा कटा है वो, एग्जैक्टली, तो ये दुबई में वो 18 लोगों का था, फिर 14 का हुआ, इतना पैसा खर्च मैं भी करती। अब मैंने अलबत्ता ये बहुत किया, चीजें रख के ना कि ये रख लो बाद में काम आएगा, जो डिब्बे हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक की चीजें, बाकी काम नहीं आता, नहीं वो गंद जमा रहता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं फिर नया ले लेते हैं। तो अब जब मैं वाइट वॉश घर में करा रही, तो मैंने कई जो है ना डीप क्लीनिंग जो बेकार है, मैं कहा बस अब मत रखो, हटा दो, तो इस लिहाज से अच्छा है, रखो तो कम चीज रखो, वरना वो चीज इस्तेमाल नहीं होती, नहीं। क्लीनिंग, तो तुम्हें लगता है जो तुम्हारा ये बेहतरीन इंतखाब है कि मैंने फर्नीचर पे yes. एक टाइम पर इन्वेस्ट किया और वो मेरे अभी भी काम आ रहे वही, ये वाकई हकीकत है। कभी कभार आप देखते हैं कि ये सस्ती है, ये वो महंगी है, और आप उस वक्त सही फैसला करते हैं कि आप ये महंगा लकड़ी ले लो, क्योंकि वो देर पा चलती है और आपको बाद में फायदा देती है, और लकड़ी बहुत महंगी है, देखा जाए फर्नीचर, अब तो फर्नीचर में लकड़ी ही नहीं है भाई, नजर ही नहीं आती, अब तो फोक है, शो ही नहीं करता, क्या कहा लकड़ी, आई एम सो हैप्पी कि चलो यार मैंने खरीद ली थी, तो मेरे पैसे यूं जमा नहीं हुए फर्नीचर में, इसमें ट्रैवलिंग में, मतलब ज्वेलरी भी बहुत सारी है इसके पास, जूते भी बहुत है, बैग्स भी बहुत है, मेरे पैसे रेंट पे दे दो ना सामान अपना, तो कितना कमा लो, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो है, मतलब मैंने
यार अगर ये शौक मैं पूरे नहीं करूं जरूरी है वरना मर जाऊंगी तो क्या एटलीस्ट शौक तो पूरे करूं मैं यार मैं मेहनत करती हूं दिन रात मेहनत करती हूं मेहनत से मैं नहीं घबराती मुझे वो सब जानते हैं लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ा सा छोटी सी चीज भी खरीद दूं लेकिन 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 मैं सारी बच्चियों को समझाऊंगी अपनी छत होना बस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो जितनी भी यंग बच्चियां हैं वो ही ना जैसे शर्मीन ने कहा कि एक जरा सा अपना दिल मार के कुछ साल गुजार लो कुछ साल अपनी छत बन जाएगी चाहे लोग कितना ही ट्रोल करें कि इस उम्र में इतना एंजॉय करें हम तो करेंगे क्योंकि हमने उस उम्र में जिस वक्त एंजॉय करना था हम मेहनत कर रहे बिल्कुल तो अब हमें अब मौका मिला क्यों ना दिया मेरा पहला प्लॉट मैंने लिया था छुट्टियों पे मैं पहला प्लॉट मैं लिया 15 साल की अरे मेरे खुदा वो कैसे होए क्योंकि 13 की एज में मैंने स्टार्टेड वर्किंग तो अब्बा सेव कर रहे थे उस जमाने इतना थोड़ी थे 90s में इतना एक्सपेंसिव भी नहीं थे तो अब्बा वो कहते थे आपको पॉकेट मनी मिलेगी ये पैसे आपने स्पेंड नहीं करने तो वो करते 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 मतलब ये कि फिर उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी दी आगे लेकिन प्लॉट के पेपर मेरे पास आ गए आई वाज 15 और वो फिर मेरी लाइफ का एक लेसन था कि नहीं मैंने यही करना पैसे खर्च नहीं करने इन्वेस्ट करने ये शुरू से बिजनेस माइंडेड है अच्छा मैं बिल्कुल बिजनेस माइंडेड नहीं हूँ ना मैंने जब था घर मेरा शादी मैंने कहा हाँ। मेरे पास तो घर है ना दूसरे में ना, तो ये कि बस मम्मी ने दे दिया तो ठीक है चलो हाँ, घर है घर ओके तो अब शर्मीन तुम बताओ अच्छा मेरा एक और डिसीजन जो मुझे आई फील रियली प्राउड ऑफ इज द फैक्ट कि अब जैसे आप देखते हैं ना बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मैं देखती थी कि वैसे तो शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल अपनी पढ़ाई खुद करना कोई ट्यूशन नहीं लेकिन बैठी हुई घर में फ्रेंड्स से बातें कर रही है गाने सुन रही है जो फ्री टाइम है तो मैंने ये सोचा कि मैंने क्योंकि बहुत लेट स्टार्ट किया अपने आप को ट्रैक पे मैं बहुत लेट लाई तो मैंने सोचा कि नहीं मुझे अभी से इसे इनकरेज करना है आई हैव टू टीच माई डॉटर कि आपने अपनी ज़िंदगी में स्किल सेट्स को अपने अपने स्किल को पहले तो आपने डिस्कवर करना है और उसके बाद उसको आपने और अच्छे से अच्छा बेहतर इम्प्रूव करना है तो मैंने उसको डील दी मैंने कहा देखो ये तो नहीं चल सकता कि तुम हर वक्त फ़ोनों पर बातें कर रही हो ठीक है उसका भी एक टाइम होता है बट यू हैव टू डू समथिंग क्रिएटिव इन योर लाइफ कुछ प्रोडक्टिव करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज यू आर 13 ईयर्स ओल्ड नाउ तो उसने कहा अच्छा ठीक है मेरा मैंने ये देखा है मुझे एक इंटरेस्ट है कोर्स हो रहा है ऑनलाइन क्रोशे का क्रोशे का मुझे कोर्स करवाते हैं अच्छा दैट वाज अ हेफ्टी अमाउंट जो कि क्योंकि मैंने अपनी अम्मी से और अपनी बहनों से डिस्कस किया उन्होंने कहा वेस्ट ऑफ मनी है कुछ नहीं करेगी मैंने कहा कुछ क्रिएटिव कुछ भी सीख लेगी आई वुड से कि चलो ठीक है इट वॉज नॉट मनी डाउन द ड्रेन मैंने वो डिसीजन लिया मैंने उसकी ऑनलाइन पेमेंट कर दी वो थी भी डॉलर्स में क्योंकि वो अमेरिकन थी जो वो कर रही थी उसने वो पूरा कोर्स अपना कंप्लीट किया उसके बाद उसने अपने क्रोशे आइटम्स बना रही थी यहाँ से भी मुझे बहुत मटेरियल लेना पड़ा वो भी बहुत एक्सपेंसिव था निदा इट्स बिन अ ईयर नाउ शी इज़ एक्चुअली टेकिंग ऑर्डर्स वो अपने वो छोटे ना मिनिएचर स्टफ टॉयज बनने का आजकल ट्रेंड आया है क्रोशे स्टफ टॉयज तो वो उसने उसका बहुत और ये बाहर से मिलते थे अब क्योंकि उसने वो कोर्स कर लिया उसके सारे फ्रेंड्स इर्द गिर्द वो उसको ऑर्डर दे रहे हैं छोटे छोटे आइटम्स जैसे श्रग है ग्लव्स हैं स्कार्फ है वो उसने छोटे छोटे सीख लिए तो ऑब्वियसली अब वो फुल टाइम तो नहीं कर सकती बिकॉज शी स्टडिंग ऑल्सो लेकिन उसने हफ्ते में अपने लिए दो दिन अपने अपने इसके लिए रखे हुए हैं कि ये जो दो दिन मैं हूँ इसमें मैं बैठ के अपने जो मुझे ऑर्डर्स मिले हुए होते हैं उस पर काम करूंगी और वो अपना उसका एक रोल ओवर होना स्टार्ट हो गया है इतनी आसानी है पहले कहां होती थी ऐसे कि हम कोर्सेज कर लें कुछ कर लें अब इतनी आसानी है फ्री कोर्सेज भी हैं लेकिन करते नहीं बच्चे एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने ये डिसीजन ले लिया जबकि लोग कह रहे थे पैसे वेस्ट होंगे खामखई में तुम क्या कर रही हो आई थॉट कुछ भी नहीं होगा ना लेकिन हो सकता है जो स्किल डेवलप हो रही है ना उसके अंदर ये चीज आ रही है कि मुझे ये करके वो बिजनेस माइंड अभी 13 साल की उम्र में ही उसको एक अपना शौक बैठ जाएगा कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ करना है अपना इंडिपेंडेंट होना है वो अब उसके अंदर जो जो किस कहते हैं ना कीड़ा हाँ। वो अब उसके अंदर अच्छी तरीके से इम्प्लांट हो चुका exactly. है छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बाद इसी तरह की बहुत सारी पते की बातें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गुड मॉर्निंग वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आज हमारे सेलिब्रिटीज जो उनकी ज़िंदगी के वो फैसले जो उनको लगता है कि उनके लिए बेहतरीन है वो आपसे शेयर कर रहे हैं और उम्मीद है कि इन सब बातों को सुनने के बाद आप बहुत कुछ सीख सकेंगे और अपने फैसलों पर नज़रसानी कर सकेंगे क्योंकि कभी कभार हमें लग रहा होता है कि ये हमारे लिए बेस्ट है मगर उसका रिज़ल्ट नहीं हमें मिल रहा होता और वही टाइम आता है जब हमें अपने कम्फर्ट जोन से निकलना है कि ट्राई तो करें ट्राई एंड एरर पे ही हम सीखते हैं कि क्या हमारे लिए बेहतरीन गैजेट्स
गैजेट्स में क्या बेहतरीन फैसला किया? मुझे ये लगता है कि देखें, जो आपकी मशीनरी है ना, वो फॉरएवर के लिए नहीं होती, ठीक है। इवन मैट्रेस के लिए भी कहते हैं ना, लाइफ टाइम गारंटी, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने पिछले दिनों अपने मैट्रेस बदले, कसम से मुझे दर्द हो, फैसला किया ये कुछ अजीब सा। मैंने कहा हाँ मुझे भी ना दर्द होती है, हमने कहा कि चलो इसको उल्टा देते हैं, चार दफा उल्टाया हमने इधर उधर इधर, कुछ फायदा नहीं हुआ। मैंने, क्योंकि बेडशीट तो वो सर्वेंट्स वगैरह बदल रहे होते हैं, हेल्पर्स, मैंने खुद उसको गौर से देखा, मैं कहता हूँ मैट्रेस ही खराब है भाई, कितने सालों के हिसाब लगाया, मैं दुबई से मंगवाया था, वो दुबई से आया था बेचारा। तो मैंने कहा नहीं नहीं इसको तो 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। फिर मैंने बच्चों का मैट्रेस देखा, मैंने कहा इसको भी टाइम हो गया, ये मैं क्या कर रही हूँ, और पॉकेट ये स्प्रिंग मैट्रेस होते हैं जल्दी खराब हो जाते हैं। मैंने मैट्रेसेस चेंज कराए। तो ये जरूरी है कि आप घर की चीजें, मैट्रेस तो एक है, अच्छा गैजेट जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होती हैं, ये वक्त के साथ साथ बेहतर बनती हैं कि बिजली कम लें, ज्यादा काम करें, पैसे कम आपके खर्चों, आपको लग रहा होता है यार इतनी महंगी होगी, महंगी होगी, लेकिन जो आप पुरानी मशीन पे बिल दे रहे होते हैं और जो उसका रिजल्ट होता है वो अच्छा नहीं है। बात बहुत जरूरी है, इन्वर्टर की मशीन लें। अब सब वॉशिंग मशीन ही होगी, बेहतर कपड़े धोती है, अच्छी नई मशीनें जो मार्केट में, दे वॉश बेटर, स्मेल भी नहीं आती कपड़ों में, मतलब अच्छे धुलते हैं, खराब नहीं होते, बजाय ये कि नहीं भाई मैं तो बस वो पुरानी मशीन पे ही लगी रहूं, वहीं पे तो मासी धोती है, निचोड़ती है, वो घुमाती है, वही चल रही है। ये तो मुझे लगता है इस पे सजा होनी चाहिए। किस पे? कि जो आप मासियों से हाथ से कपड़े धुलवाते हैं, ये गलत मेरे घर में नहीं, गलत है। जब आप, ये मशीन का काम है, आपको पता है कितनी जान लगती है घर के कपड़े धोते हुए औरत की, किसी के भी, वो घर का काम भी करे या जो भी करे, वो लगी हुई है, क्यों आप हाथ से कपड़े क्यों धोते हैं? कुछ कपड़े समझ आते हैं आपके, चलो नाजुक कपड़े वो आपने कर दिए, उसको भी ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं। मासी बेचारी वो इंसान नहीं है कि जो पूरे घर में मर्दों के कपड़े धो रही है, औरतों के कपड़े धो रही है, घर में और जरूरत नहीं, ट्रेंड है, मशीन नहीं हाथ से ही धोलेंगे, ये जरूरत, ये इतना फजूल वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। उसके हाथ दर्द होते होंगे यार, कितने घरों में जाके औरतें कपड़े धोती, जरूरत ही नहीं, मशीन का काम है ये, हाथ का काम नहीं है। और आप ज्यादती करते हैं जब आप हाथ से कपड़े धोते हैं, तो मतलब वो कहेंगे क्यों भाई ये तो कब से चल रहा है। तो पुराने जमाने में मौर भी बहुत कुछ करते थे, पानी भरने जाते थे, कुएं में जाओ ना जाके पानी भर के, क्यों घर में नलका खोल के पानी ले रहे खाते थे, फ्रिज नहीं, क्यों मिनरल वाटर घर में आ रहा है, डाल दिया ले लिया। बहुत से लोग कहेंगे मेज को इतना वो आता भी नहीं है ना, मशीनरी है, खराब कर दिया। आप कुछ चलाए, मैं सही बात है, मैं अपनी वॉशिंग मशीन सुबह चला के आई हूं ना, फैक्टर्स हैं, बिजली का भी फैक्टर है कि और मजीद बिजली चलेगी, मतलब इतने नहीं लेती मशीन, नहीं ये बात, अगेन इस्त्री लेती है, ये बात, ये लोगों को नॉलेज नहीं है, इस्त्री भी इतना नहीं, एक घंटे 2.2 एम्पीयर्स लेती है, सबसे ज्यादा बिजली इस्त्री लेती है, और भारी वाली गंदी पुरानी इस्त्री है वो इतनी बिजली लेती है कि आपकी सोच है। आप अच्छी स्मार्ट आयरन रखें तो जल्दी कपड़े भी इस्त्री, अच्छा फिर हर कपड़ा इस्त्री वाला नहीं होता, इतना इतना धोने की भी कपड़ों की जरूरत नहीं है, बजान के जो बच्चों के कपड़े होते हैं वो सिंथेटिक, उनको इस्त्री की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि देखिए टाइम बहुत महंगा है, टाइम महंगा है, वो जाया किसी का नहीं होना चाहिए, ना मासी का ना आपका। तो मशीन जरूरी होती है, वो आपकी जिंदगी आसान करती है, कपड़े धुलने के लिए मशीनें होती हैं, और अच्छी मशीन बिजली भी कम, कपड़े भी अच्छे, इसके अलावा खाने वगैरह के लिए भी, जी ब्लेंडर्स अच्छे हों, चॉपर्स अच्छे हों, अब तो फैंस भी इन्वर्टर्स का, मेरे हाँ इन्वर्टर वाले फैन है, इन्वर्टर आपके फैन है, उसमें पता नहीं बटन है कि उल्टा घूमता है पंखा, पता नहीं क्यों क्यों उल्टा घुमाया, मैं कहा इसका मकसद क्या है, हवा ही नहीं आ रही तो क्यों बनाया, ऊपर हवा में, ऊपर कौन बैठा है छत पे, अजीब सिस्टम है उसका, और उसे एक ही रिमोट से चलेगा, वो रिमोट अगर गया तो पंखा बंद, वाकई हाँ, मुझे खरीदना और वो साथ वाले कमरे का रिमोट से नहीं चलता हमारा पंखा, मैंने चिपका दिया रिमोट में, कहा हिलाना नहीं पंखा खत्म। तो इन्वर्टर सोची थी, अब इन्वर्टर फैन के अपने पंखे भी खराब हो रहे हैं, फैन पुराने वाले अच्छे हैं, उसके अपने प्रॉब्लम है, नहीं सही बात है, मुझे नहीं घड़ घड़ स्पीड आपने कर ली, इन्वर्टर एसी भी बेकार, अच्छा फैंस का मैं जरूर कहूंगी अपने घर के, प्लीज फैंस बदल दे, फैंस गिर जाते हैं, गिर जाते, मुझे बहुत डर, मुझे फियर है शदीद, नादिया क्या मुझे शदीद एक फोबिया पंखे का, सही से नहीं लगा फैन, गिरते हैं फैन, गिर सकता है, हाय मेरी अम्मी के ऊपर गिरा फैन, तो सही पे किसी, जो भी फैन किसने किया होगा, सफाई किया होगा, सही क्लिप नहीं किया होगा, उसको वो लूज यार विद टाइम, स्पेशली ये हंस रही है, देखो जरा क्या कहे, तुम कहना क्या चाह रही हो, फैन को मेरे अब्बू के चेक करवाए, बचपन में गिरा था एक दफा, ये फैंस गिर, आपको पता है घरों में कितने पुराने फैंस लगे होते हैं, 30 साल 40 साल, ये हमारे दादा के जमाने का पंखा है, घड़ 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 घड़, वो फैंस की बात है, हर वो चीज जो हवा दे उसको कहते हैं पंखा, वो पंखा नहीं है, वो एक लाश है,
वो एक एंटीक चीज है और उसने गिरना है. आप बस पंखे को आज आपने देखे और कहें अगर उसमें से आवाज आ रही है, अगर वो पुराना है, मैं पता है मुझे डर लगता है, मैं बदल देती हूँ. मैं अब्बा के घर जाती हूँ कुछ साल बाद, बदल देती हूँ पंखा. मुझे पंखे का फियर है शदीद. और पंखे वो हो स्ट्रांग जो हिले नहीं, आवाज नहीं दे. कहते नहीं पंखे से तो आवाज आती है. कौन बेवकूफ कहता है पंखे से आवाज आती है? अच्छे पंखे से आवाज नहीं आती, अच्छा पंखा नहीं हिलता. आप मेरे घर में देखो. मुझे तो वो पंखे पसंद ही नहीं है. वो जो आजकल वो बिल्ट इन पंखे है ना, उसमें हवा नहीं आती है. वो जिम के ऊपर लगे हैं, कोई हवा नहीं उसमें. उसमें नहीं आती, जो खिड़की वाले हैं, जो खिड़की वाले लगे हैं. मुझे पंखे की हवा, खिड़की वाले नहीं आए फैंस, उसमें कोई हवा नहीं. वो एसी उसके लिए गए, कमरे में एसी चल रहा है, कहीं कोई जगह नहीं है, तो वरना तो इस पंखे की बात है कि आप अपने, क्योंकि वो क्या होता है कराची में वैसी जंग लग जाता है चीजों में, तो वो ऊपर जो आपने 30 साल पहले नाना जी दादा जी ने लगाया था ना, वो खत्म है पंखा. उसमें जंग लग गया, घिस गया, वो कभी भी. और मैंने बड़े लोगों के घरों में देखा, मैं तो उठू यहाँ से, उधर अंकल मैं वहां बैठूंगी. बचपन में ऐसे करती थी, उठ जाती थी पंखे के नीचे. मैं कभी नहीं गिर चुका है ना तो फियर है. मैंने फिल्म में भी देखा था ना, उससे भी आया. प्रेशर कुकर भी फट गया हमारी आंटी का, आंटी अमतुल का, तो मैंने बचपन में उनको भी देखा. मम्मी मुझे हर जगह ले जा रही है, आंटी मेरी मम्मी बनी हुई है पट्टियों में पूरी. तो मैंने कहा आंटी व्हाट हैपेंड, तो पता चला उनका प्रेशर कुकर. अच्छा मुझे भी फॉर क्योंकि क्यों क्योंकि प्रेशर कुकर पुराने. तो वो आंटी को मैंने जब से पट्टियों में देखा है ना, मेरे घर कभी प्रेशर कुकर. मुझे भी बहुत डर लगता है. और मैं ये चले आपके घरों में है, बात यह कि कितने साल पुराना है. जो पुराने हैं प्रेशर कुकर, उसमें सेफ्टी लॉक्स नहीं है, उसमें बहुत मसाइल है. प्लीज अपना प्रेशर कुकर चेंज कर दीजिए. तो ये आपके गैजेट चीजें ये बदलने वाली. मम्मी मुझे कही थी तुम ले लो, मैं कहा नहीं मुझे नहीं आता प्रेशर कुकर, मुझे नहीं. अच्छा स्विच में से कितने करंट लगते हैं? इलेक्ट्रिक आपके वायरिंग लूज पटाखे होते हैं घरों में, तो पता नहीं होने फट जाती हैं चीजें. प्लीज ये तारे वारे पाइप्स हाय लूजिंग नहीं. अब्बा ने अभी घर पिछले दिनों चेक कराया तो पाइप तो उसका ड्रेन जो था बंद था, पता नहीं कहाँ जा रहा था सब कुछ कचरा बाथरूमों का कितने साल से. तो किधर जा रहा, कहाँ जा रहा, जमीन में अंदर ही जा रहा होगा. हाँ बंद था फिर, क्योंकि काफी टाइम हो गया अब्बा के घर को. तो फिर अब्बा ने खुदाई करवा के पाइप्स जो थे उनको चेंज कराया. हम लोग कब चेंज कराते हैं? तो ये तो सबसे ज्यादा अपडेट करने की जरूरत है. आपके जो ये क्या कहते हैं उसके सीवरेज के पाइप्स हैं आपके घरों के बंद हो गए हैं सालों से. मेरे घर के वायरिंग चेंज कराए इसको ले देखो जरा. अपना डेंटिंग पेंटिंग का मसला पूरा क्या कह रही है लोग पुराने पुराने ब्लो ड्राइज यूज करते हैं, फट जाते हैं. देखे टोस्टर फट जाते हैं, माइक्रोवेव फट जाते हैं. ये मशीनें प्लीज आप अच्छे वक्त, आप ना वक्त के साथ साथ इनको अपडेट करें. आग लग जाती है माइक्रोवेव के अंदर. बिल्कुल चूल्हे आपके ऊपर हुड कितनी, आप जाके चेक करें कितना तेल जमा है. अच्छा जिसमें जितना उसमें तेल जमता है उतनी आग लग जाती है जल्दी. अच्छा हाँ हाँ अब्बा के घर में लगी है ना आग. सब कुछ अब्बा के घर में. अब्बा लेके आए जी डॉगी. क्या पता नहीं क्या हुआ, अब्बा डॉगी ले आए. अच्छा मुझे बता रहे बेटा मैं डॉगी लेके आया हूँ, उसको वॉश कराया उतना प्यारा ब्लैक, वो तो कलर ही निकल गया अंदर से वाइट निकल गया. ऐसे कौन से डॉग है यार, क्यूट मुझे लगे. मैंने कहा अब्बा हाँ, कहते देखो दुकान वाले ने कहा है तो प्यारा पेडिग्री डॉग है ब्लैक है. कहते हमने नहलाया तो उसका रंग उतर गया. फिर फोन किया कल, मैंने कहा अच्छा वो डॉगी कैसा है? बेटा उसका मुंह लोटे में फंस गया. लोटे से खेल रहा बाहर. हमने कहा चलो खेलता रहे, उसका तो बच्चे का मुंह फंस गया और निकले ना और वो रो रहा है. तो फिर कहते हमने लोटा तो उसको कटवाया है तो उसका मुंह निकला है डॉगी का मुंह. वो अजीब एक अब्बा की नकली आई हुई है. बिल्कुल ऐसे डॉग बिजी हो गए, सो क्यूट. हां बिजी हो गए डॉगी लिया, रंग भी उतर गया, मुंह भी फंस गया डॉगी का लोटे में. चलो भाई नेक्स्ट. हां भाई तुम्हारे तुम्हारा बेहतरीन. इससे हमारे अब्बा के घर से बहुत कॉमेडी होती है. हां वहां पे शो कर सकते हो. इतनी एंटरटेनमेंट. अच्छा यू नो दे से डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. तो मुझे सब लोग कहते थे कि ये जो हमारी फील्ड है उसमें यही वाली बात कि अगर आप ड्रामास में लिमिटेड हैं तो कभी प्रोजेक्ट है कभी नहीं है. तो जब नहीं है आप घर पे बैठे हुए. तो ये मैंने रियलाइज़ किया कोविड के ज़माने में जब कोई काम नहीं हो रहा था और हम घर में बैठे हुए थे. तो मैंने ऐसी बिकॉज आइडल बैठना एन आइडल माइंड इज़ अ डेविल्स माइंड. ठीक है वही वाली बात कि 10,000 दिमाग में बातें आती हैं, आप अपने पास्ट में जा रहे हैं. तो मैंने कहा मुझे अपने आप को बिज़ी करना है. तो मैंने कुकिंग का सोचा, मैं होम बेस्ड अपना किचन स्टार्ट करती हूँ. अच्छा। तो मैंने अपना मेन्यू बनाया और मैंने अपनी पूरी फ्रेंड्स लिस्ट को भेज दिया. तो मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए. उसी वक्त मैं इस कदर बिजी हो गई कि मैं रात को जब बेड पे जाती थी ना मुझे लगता था मेरा जिस्म दर्द कर रहा है, एक एक हड्डी दर्द कर रही है. मैं सुबह स्टार्ट करती थी, रात तक मैं ऑर्डर्स दे रही होती थी.
तो उस तरह से मेरा एक साइड बिजनेस ये स्टार्ट हो गया जो कि मैं आज तक उसे रन कर रही हूँ. ऑब्वियसली मैं उस हिसाब से अब ऑर्डर्स नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मेरा एक ये काम है कि जब मैं बिटवीन प्रोजेक्ट्स है मेरे पास दो तीन महीने कोई प्रोजेक्ट, आई हैव ऑल द टाइम, मैं उस पर आ जाती हूँ. उसके साथ साथ फिर मैंने सोचा जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, मुझे बड़ा ये टेम्प्ट बहुत टेम्प्ट किया मुझे कि इससे भी पैसा आ रहा है. मैंने कहा अब मैं कुछ और भी स्टार्ट कर सकती हूँ. बिफोर आई स्टार्टेड एक्टिंग आई यूज्ड टू डू क्लोथ्स आल्सो. मैंने अपने पुराने सारे जो क्लाइंट्स थे लिविंग इन अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, उनको एक एक मैसेज डाल दिया दैट आई एम स्टार्टिंग टू टेक ऑर्डर्स अगेन. उनसे मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए. तो मुझे ये अपना डिसीजन बहुत अच्छा लगा कि मैं एक्टिंग के साथ साथ मेरे पास एक बैकअप प्लान भी नहीं, एक नहीं बल्कि दो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बैकअप प्लान्स हैं कि गॉड फॉरबिड कोई भी रीजन होता है मैं एक्टिंग नहीं कर पा रही या नहीं करना चाहती या मैंने अपना एक्टिंग को छोड़ दिया है, तो आई हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन. जिसकी बहन भी ऐसी है. अच्छा. वो भी पगला पाए. अजीब. उसका एक अपार्टमेंट है जेबीआर समंदर के सामने दुबई में. दुबई में ठीक है ना, रेंट के पैसे नहीं होंगे लेकिन अपार्टमेंट नहीं छोड़ूंगी. उसने कितनी जॉब चीजें की हैं कि सालों से माशाल्लाह उसका रेंट दे रही है कि मैंने यही रहना ना दिया जो मर्जी. और उसके वो कह रही ना मेंटल है. लेकिन ये नहीं कि उसने छोड़ दिया. कितने लोगों ने कहा बट शी कीप्स दैट. उसने क्या किया, उसने वो लेने शुरू किए कि जो लड़कियों को ना आपके आप स्टे कर सकते हैं कमरे रेंट पे दे दिए. एयरबीएनबी वो भी कपड़े कर रही है, चीजें इतनी मजे की है इसकी बहन बुशरा. मैं बड़ी इससे लेकिन उसमें मेरी बहन में और मुझ में डिफरेंस ये है कि वो उसका बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन है. वो एक वक्त में एक काम करती है लेकिन बहुत जल्दी जल्दी चेंज करती है. मैं अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंट हूँ कि मैं एक्टिंग भी कर रही हूँ, साथ में कुकिंग भी कर रही हूँ, साथ में कपड़े भी कर रही हूँ. तीनों चीज़ों को लेकर मैं चल रही हूँ. और वही मैं सब लोगों को ये मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये करना चाहिए कि आप जो भी काम है, जो भी आपकी फील्ड है, साइड में लग के तो करो लेकिन साइड में एक कुछ और भी लिटिल एक्स्ट्रा रखना चाहिए. बैकअप प्लान जरूरी है. तो वो जो मेरे दो बैकअप प्लान अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके हैं उस पे आई फील वेरी प्राउड एंड हैप्पी. मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं टाइम अब वेस्ट नहीं कर सकती. बस मेरा टाइम बहुत प्रेशियस है. होता है ना कि कभी होता है कुछ कहते हैं सोशलाइज नहीं करती, ये नहीं करती. मैं उसका थोड़ा बहुत टाइम निकालती हूँ लेकिन मुझे मैं बैठ के नेटफ्लिक्स नहीं देख सकती खाली. तो मुझे लगता है मैं बैठ के फोन पे लंबी लंबी बातें नहीं कर सकती. वेस्ट ऑफ टाइम. इसलिए बहुत टाइम खाता है. देख सकते हैं थोड़ी देर. हां मेरा भी बहुत जरूरी है. आई फील हैप्पी दिन भर काम करके. मेरा रूम और मेरा बाथरूम में. अच्छा बाथरूम. ये बहुत मूड के ऊपर है. बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है टाइम नहीं जाया करना चाहिए. नहीं रात को चाहे 11 बजे हो एक दो घंटे अनवाइंड करने की जरूरत होती है. आई फील हैप्पी. अपना नट्स खा ली, अपना रूम, टीवी. मुझे तो आई फील बस नेक्स्ट देखा अंबर का है शायद ना. हाँ पेंटिंग एंड पॉलिशिंग ये तो मैंने डाल दिया क्योंकि ऑब्वियसली पिछले रमजान में जब मैं चाह रही थी कि मैं पॉलिश कराऊँ क्योंकि आप एक दफा मजदूर को बुलाओ ना तो 10 चीजें निकल आती हैं. ये भी कर लो, ये भी कर लो. वो इतना चार्ज कर रहा था, थोड़ा बहुत किया उसने पॉलिश के, इतने मुझसे पैसे मांगे. मैंने कहा ऐसे कैसे. फिर मेरे दिन आइडिया है. मैंने कहा यार मैं जाके मालूम करती हूँ. मैंने इसकी रिसर्च की. मैंने दो तीन जो पेंटर्स हैं उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया, गाइड किया. फिर मैं लेकर भी सामान आई. मैंने अपनी उस पर डाला है, ब्लॉग में डाला हुआ है. मैंने पेंट किया सही नहीं हुआ, फिर पॉलिश पे उसको लेकर कैसे करना है ये सब चीज़ें. तो मैंने ये करके यकीन को अपने जो घर की सीढ़ियाँ हैं ना, अब वो उसको करवाओ प्रॉपर तरीके से पॉलिश. फिर दो दिन तक आप उस पर चलो, आप ऊपर नहीं जा सकते ना, तो हैसल है. एटलीस्ट आँखों को अच्छा लग रहा है, दाग धब्बे नहीं है, शाइन करी. तो मैंने पॉलिश खुद की थी. मैंने पूरी अपनी सीढ़ियाँ खुद पॉलिश की. अलीजे के कमरे का जो था ना जो ड्रेसिंग टेबल, वो मैंने पॉलिश किया. दरवाजे, तो अब दरवाज़ा थोड़ा सही नहीं था. मैं सोची थी अब ये सब पेंटर्स जब बाहर चले ख़त्म होगा तो दोबारा मैं इनको रीडू करूँगी. तो बेसिकली पॉलिशिंग करना. और फिर मैंने दो तीन दीवारें ना खुद भी पेंट की थी कि पैसे बच जाएँ. और बस कि ठीक है, क्या ज़रूरत है कि मैं बुलाऊं इतने. देखिए तुमने ये बात की ना, मैंने रिसर्च की, ये तुमने इतनी अच्छी बात की क्योंकि लोग रिसर्च नहीं करते और उसकी वजह से वो फिर बहुत जगह उल्लू बन जाते हैं. नहीं, नहीं, रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट. लोगों से पूछा, पॉलिश वालों से तीन चार जगह पूछे ये क्या करते हैं, दाना क्या होता है, इतनी महंगी क्यों है. मुझे तो रंग हाले कुछ नहीं था. मैंने उसमें बनाया, मैंने लोगों को बताया कुछ भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं. दो तीन ब्लंडर्स हुए हमारे घर भी, दोबारा हमने किया. तो मेरी बेटी कल को आप अमेरिका आएंगी ना, तो आप बेस्ट है. कितनी यहाँ पे वैरायटी है. आप प्लम्बर और कारपेंट्री का काम सीख. पहले तो मेरे घर आओ ना, पहले तो इधर अंबर को बुलाओ ना घर पे.
इधर आओ मैं पॉलिश कराने ये भी मतलब अंबर पॉलिश वाली के यार मतलब खुशी होती है देखो सारी बात नहीं, है खुशी मैं मुझे बहुत शौक है सीखने का यार कम से कम पॉलिश कर हम लोगों के यहाँ हर चीज के लिए अलग लोग होते हैं वरना बाहर जब लोग रहते हैं वो अपने घर के कितने सारे काम करने चाहिए खुद करते हैं मेरी खाला कहती है हमने घर में खुद पेंट किया मैंने कहा क्या हाँ हाँ तो वो हम लोग तो नहीं सोच सकते कि हम अपने घर का पेंट खुद कर रहे हैं मगर उन लोगों को आदत हो जाती है अपने घर के सारे काम खुद करते हैं करना चाहिए अपडेट करें बाथरूम की ग्राउट निकल जाती है इतना गंदा उससे बाथरूम लगता है टाइलें पुरानी मैं उस दिन ग्राउट डाल रही थी पेन से पेन आ गए इतने खूबसूरत लेकिन उस ऐसे बाथरूम में बैठी भी ना ऐसे ऐसे लाइनें मार रही ऐसे मुझे हैरान हो गए नहीं बहुत सारी मजे मजे की बातें इन तीन सेलिब्रिटीज से पता चल रही है और इनकी लाइफ के बेस्ट डिसीजंस चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों लेकिन वो इनको ये पता है कि उससे हमें एडवांटेज हुआ है अब आ रही है नादिया की नादिया को किस चीज से एडवांटेज यार मैं लास्ट वो बताऊंगी हेल्थ केयर हाँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था लेकिन मैंने अपनी वो दोस्त का जरूर बताना है वो भी बता साथ बता मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई जिसने कहा कि यार मेरे बच्चे छोटे हैं मैं बाहर जाके काम नहीं कर सकती कुकिंग हमने सोचा तो कुकिंग कहती है पैसे लगेंगे पैसे नहीं मैं लगा सकती मेरे पास पैसे नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर की और वो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं कि ऑनलाइन काम कर सके पढ़ाई वढ़ाई मैं फिर उसके गार्डन में जाके चाय पीने लग गए ना उसके टेरेस पे बड़े प्यारे प्लांट्स लग पड़े हुए मैं प्लांट्स देख रही सारा कुछ ये वो बहुत खूबसूरत मैंने कहा आइडिया आया तो ये जो प्लांट्स हैं और मैं किसी किसी में देख रही हूँ दो दो तीन भी निकले इनको अलग इनके गमले बनाओ एक साल वेट कर लो बट दिस विल ब्रिंग यू रिटर्न्स अभी 10 लाख कमाया उस लड़की ने उसने जो जो उसके प्लांट्स थे ऑलरेडी पड़े हुए थे अच्छे वक्तों में ले लिए होंगे उस प्लांट से छोटे छोटे पौधे खुद ही कुदरती निकलते हैं पाम ट्रीज थे तो छोटे पाम और एक वो एक और दो बड़े महंगे पौधे थे उसने इधर से गमले भी थे इधर लगाया वो अच्छा आपको पता है पौधे कितने महंगे 22,000-30,000 उसको आइडिया ही नहीं था उस तरह उस पे कि यार ये मैं इतने का बेच सकती हूँ वो जब बड़े हुए उसने बेचा और ऑनलाइन फिर उसने सेल कर दिए कुछ 10 लाख के करीब उसने कमाया इतनी जगह थी उसके पास उसने एक रुपया खर्च नहीं किया उन्हीं पौधों को दूसरे प्लांट्स में डाला वो पॉट्स में डाला वो बड़े हुए वो हजारों लाखों में बिके मतलब इससे ये हो गया कि आप कोई भी काम करें मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट अल्लाह ताला आप अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे ना तो कितने चांसेस है पैसा कमाने के दिस वाज अ वेरी गुड आइडिया मैं कल कोई इंडिया के तीन लड़के हैं उन्होंने साथ में बिजनेस ये शुरू किया कि उन्होंने फलाने ब्रांड की शर्ट पकड़ी फलाने उसके जूते पकड़े करके उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो ऑनलाइन शॉप बनाई जिसमें उनके एस्थेटिक्स अच्छे थे तो चीज़ें वो अच्छी जमा करते थे अब वो बेचना शुरू किए करते 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 उनको इन्वेस्टर्स भी मिलते गए अब उनके तीन बड़े बड़े शहरों में जो है वो अलग अलग शॉप्स हैं और वो अलग अलग ब्रांड्स की चीजें एक साथ मर्ज करते हैं अंडर वन रूफ है और पता नहीं 100 करोड़ के मालिक बन चुके हैं फिर एक और दोस्त को मैंने मशवरा दिया उसके पास छोटा शिट्ज़ू आइडिया की बहन के पास मेल शिट्ज़ू उसके पास फीमेल शिट्ज़ू मैं कब बच्चे पे तुम उनके मतलब बेच सकती हो उसने ब्रीडिंग करके इतने पैसे कमा लिए सो देयर आर सो मेनी आइडियाज कि आप पैसे बना सकते हैं और बनाने चाहिए और भारत में आपको लाखों लोग समझते हैं इन्वेस्टमेंट चाहिए जरूरी नहीं है दिमाग चाहिए अच्छा बाकी जो इसमें बात थी कि जी 40s के बाद आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस बहुत आते हैं फिजिकल चेंज मुझे उसने सास मेरी बता रही कि कद भी छोटा हो जाता है एज में आके हाँ हाँ झुक जाता है झुक जाता है क्योंकि आप फ्रेम झुक जाती है आपकी स्पाइन झुक जाती है ना जैसे आप हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं हल्की सी हाँ तो चीजें मगर वो तब झुकता है देखो अगर आपने शुरू से ही आपने अपने बच्चों को मार मार के सीधा कराया है ना आपका पोस्चर बॉडी का अच्छा है तो फिर नहीं इतनी प्रॉब्लम होती जब आपका पोस्चर ही हुआ है आप चल रहे हैं लड़कियां बड़ी होते हो जाते हैं वैसे भी हर चीज श्रिंक होने लग जाती है बट आफ्टर 40s देयर विल बी चेंजेस इन योर बॉडी बहुत सारे उसमें क्या होता है कि हमारी औरतें हेल्प नहीं लेती डॉक्टर्स के जाती नहीं ना चेकअप कराना ना कुछ आपको ब्लोटिंग आपका वेट गेन हिप्स चौड़े हो रहे हैं बाजू बड़े हो रहे हैं स्किन खराब हो रही है साइकिल डिस्टर्ब हो रही है लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाना क्योंकि वो तो हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है डॉक्टर के तो तब जाएंगे जब सांस बंद हो रही होगी जब सांस ना आए और अब जब बेहोश हो जाए सिर्फ तब जाना या हड्डी टूट जाए तो तब जाना है डॉक्टर के वरना औरतें डॉक्टर के नहीं जाती बहुत गलत करती हैं आपको जरूर जाना चाहिए रेगुलर अपने चेकअप्स कराएं टेस्ट कराएं और डॉक्टर्स जब आपको मेडिकेशन देना बड़े जरूरी है स्पेशली प्री मेनोपॉज के टाइम पे तो औरतें खाने लग जाती हैं मियां को भी और बच्चों को भी डेली बाइक लेती हैं बहुत ज्यादा इतना कुछ होता है तो उसमें आपको इस पे मैं एक शो करूं हॉट फ्लशेस चीजें लेकिन दवाई नहीं लूंगी
दवाई नहीं लूंगी मर जाऊंगी. तो बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं, आपके मूड्स को, आपके घर के माहौल को ठीक रखती हैं. तो प्लीज आप अपना ख्याल रखें. यानी कि अच्छा 40 के बाद लोग क्या करते हैं, मैं अपनी जिंदगी में चेंज लाना चाहती हूँ, अब मैं ज्यादा मेकअप खरीदूंगी. मेकअप से क्या हो जाएगा, प्लीज मेकअप ना खरीदे आप. ये जो है ना, अपनी हेल्थ और अच्छे विटामिंस, अच्छा अब जैसे स्मूदी पी लें आप, स्मूदी के लिए अच्छी मशीन ले लें, वो बड़ी जरूरी है, वरना स्मूदी नहीं बनती. हमारे नेचुरल हर्ब्स हैं आपके, वो नहीं आपके जो क्या कहते हैं मखाने, फुल ऑफ कैल्शियम 100%. मेरी फ्रेंड ने कहा यार एक स्टोरी लगा दो मेरी, तो मुझे सर नया एक जबरदस्त महंगा सा ब्लेंडर आया है ना दुबई में. मैंने कहा अच्छा ब्लेंडर भेजो मुझे, स्टोरी लगाती हूँ तुम्हारी, स्टोरी पोस्ट की, ब्लेंडर आ गया. वाह, बेस्ट स्मूदी बन रही है उसमें. तो आम नहीं, आपको ब्लेंडर चाहिए, जिंदगी को आसान बनानी चाहिए. आप क्या कह रही हैं? तो बट यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ आफ्टर 40, क्योंकि आपके हार्मोन्स और ये चीजें, और जितना लेट करेंगे उतना खराब होगा. और इसी के साथ साथ फिर मेरा जो एक और जिंदगी का बेहतरीन फैसला है, जैसे कि आपने हेल्थ की बात की ना कि आफ्टर 40 आपको अपने हेल्थ का, अपनी बॉडी का, अपने हार्मोन्स का, साथ साथ आपको मैंने मेंटल हेल्थ की शुरू में बात की थी, मेंटल हेल्थ की बहुत आपको उसको फिट रखना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए थेरेपिस्ट के पास जाना एक बहुत ही ज़्यादा वियर्ड कॉन्सेप्ट है हमारे लोगों के लिए कि नहीं मैं क्यों थेरेपिस्ट के पास जाऊँ, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ. आपको पागल पागल लोग तो थेरेपिस्ट के पास जाते भी नहीं है. मेरा ज़िंदगी का वो एक बहुत अच्छा फैसला था जब व्हेन आई डिसाइडेड टू गो टू अ थेरेपिस्ट, क्योंकि बहुत से आपकी ज़िंदगी के ऐसे ट्रॉमास होते हैं और ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि आपको इस तरह से अफेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको खुद नहीं पता होता. और वो जब तक आप किसी प्रोफेशनल से उस बारे में हेल्प नहीं करेंगे, आप नहीं सीख पाएंगे कि आपने कोप कैसे करना है, अपनी लाइफ को कैसे आपने वापस ट्रैक पे करना है. तो उसके लिए आपको हेल्थ चाहिए. जैसे आपको फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर की हेल्प चाहिए, इसी तरीके से आपको अपनी मेंटल हेल्थ के लिए एक थेरेपिस्ट की हेल्प चाहिए. तुमने अल्फाज अच्छा इस्तेमाल किया, थेरेपिस्ट. अक्सर लोग पहले कहते थे साइकेट्रिस्ट, तो वो कहते हैं कि साइकेट्रिस्ट अब पागल तो नहीं है, यू नो साइको से. थेरेपिस्ट इज अ गुड वर्ड. थेरेपी होती है ना आपकी मेंटल थेरेपी है. और मुझे ये लगा जब मैंने अपनी थेरेपी सेशन स्टार्ट किए, और हर किस्म का थेरेपिस्ट होगा, ठीक है मैं मानती हूँ उसमें पैसे जाते हैं, पर सेशन आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन हर रेंज का आपको मिल जाएगा. ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे थेरेपिस्ट के पास जाएं, आपको आपकी बजट फ्रेंडली भी थेरेपिस्ट, अब तो ऑनलाइन थेरेपी स्टार्ट हो गई है आपको पता है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है. क्या रिवाज है थेरेपी कौन करेगा? जो फुप्पो है ना, जो खाला वो बेस्ट करती है भाई, बेस्ट थेरेपी, वो बेस्ट थेरेपी, क्योंकि उनसे बात करके आपने तो फिर अपने सबका उनके मशवरों पे अमल करके तो वाट लगा दी ना. बिल्कुल. और उनकी जो बेस्ट होती है ना, उनकी जो डायग्नोसिस होता है कि नहीं एक बच्चा और कर लो, सब मसले ठीक हो जाएंगे. वो फुप्पो का यही मशवरा होता है, या शादी कर लो फौरन, या बिल्कुल कोई इतने इतने मसले होंगे बच्ची में, इसकी शादी करा दे, बिल्कुल ठीक हो जाएगी. और फुप्पो और खाला और मसले बढ़ जाएंगे, आइडियल लाइफ नहीं गुजारनी, शादी कर ले ठीक हो जाएगी, मशवरे बहुत हैं. तो इसीलिए जब मैं जिन जिन चीजों से गुजर रही थी, तो ना कि मैं बैठ के अपने दोस्तों से, ठीक है दोस्त बहुत जरूरी है जिंदगी में, लेकिन ना कि मैं दोस्तों से अपनी फैमिली से बात करती, आई डिसाइडेड आई नीड थेरेपी, आई नीड टू सी अ प्रोफेशनल फॉर दिस. और उसने जिस तरह से मुझे हेल्प आउट किया, बेस्ट डिसीजन था मेरा. कि मैं एक तो ये कि सैनिटी की तरफ वापस दोबारा आई, और अब मैंने ये सीख लिया है कि अगर मेरी जिंदगी में, क्योंकि देखें जिंदगी में स्ट्रेसेस आपके आते रहेंगे, ऐसी किसी की जिंदगी नहीं है जिसकी जिंदगी में स्ट्रेस ना हो. उस स्ट्रेस से आपने कैसे कोप करना है आने वाली जिंदगी में भी, वो आपको थेरेपिस्ट सिखाता है. लेकिन हमारी पुप्पो कहती है कि अगर आपको दौरे पड़ रहे हैं, फिट्स पड़ते हैं, पैनिक अटैक आते हैं, शादी कर लें आप ठीक हो जाएंगी. एक्ने नहीं जा रही, पिंपल बहुत निकल रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है पुप्पो, नहीं नहीं शादी शादी होगी ना सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा. पता नहीं क्या सिस्टम ठीक होना शादी के बाद, उसको बहन भाई चाहिए, बेटा मसला हल यही है, दाने भी ठीक हो जाएंगे, नहीं नहीं मजा दौरे भी रुक जाएंगे, शादी करा दो उसकी. बच्चा बहुत जिद्दी हो गया है कि सुनता नहीं किसी का ना, तो उसको दूसरा बहन भाई वो लाओगी तो आएगा. अच्छा बेटा हाथ से निकल गया है, गलत कामों में पड़ गया है, शादी कर दो, शादी कर दो, बीवी आएगी तो ठीक हो जाएगा, नशा कर रहा है, शादी कर दो ठीक हो जाएगा, लड़की की जिंदगी अजाब हो जाए, पहले बेटे को ठीक करो. ये सारी चीजें आपके कानों में गूंज रही होंगी, क्योंकि आपके इर्द गिर्द भी ऐसा होता है. ना करे ऐसे, पप्पो थेरेपिस्ट नहीं है. तो अपनी जिंदगी के डिसीजंस लेना सीखें, और फिर उसके बाद ओन करें कि अच्छा जी ये गड़बड़ हुई ना, तो मैंने ही तो किया गड़बड़. और उनसे आप सीखेंगे, बजाय गलत मशवरे अमल करने के, खुद गिरें, खुद उठें, और फिर उसके बाद वहाँ तक पहुँच जाएं
ये मैंने जो किया ना ये बेस्ट था मेरे लिए. अल्लाह ताला आपकी जिंदगियों को खूबसूरत बनाए, अच्छी बनाए, रहने के काबिल बनाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसी जिंदगियां जी रहे हैं जो रहने के काबिल नहीं है. सही कह रही हूँ. थैंक यू सो मच आप सब लोगों का. थैंक यू फॉर हैविंग अस. बहुत मजा आया आज के डिस्कशन. क्योंकि हम 11 बच्चे पाल लेते थे अपने जमाने में, और घर भी चलता था, 11 बच्चे भी हमने पाल लिए. आजकल की बच्चियों को क्या मतलब, लोग इस इन बातों से कुछ गेन कर सकेंगे. खुदा हाफिज़. गुड मॉर्निंग. देखते देखते आ गया PSL 9, और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव ए स्पोर्ट्स पर.